Thank you. Thank you, Chandravan ji. Thank you for my detailed describing my, about my CV. And dear friends, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत ही सीरियस इशू है भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से, क्योंकि जब भी हम पूरी दुनिया में जैसे हम बात करते हैं तो शायद कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ इंडिया में है, मुझे जहाँ तक पता है कि कास्ट सिस्टम जैसा स्पेसिफिक कोई चीज़ भारत के अलावा कहीं नहीं दिखाई देती, होगी भी तो शायद मुझे मेरी अज्ञानता है, मुझे नहीं पता, लेकिन पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार से भेद होते रहे हैं। भेद या कह सकते हैं जो गैर बराबरी की जो बातें हैं, गैर बराबरी की बात पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके से होती है, कहीं रंग के आधार पे होता है, कहीं वर्ग के आधार पे होता है, कहीं जाति के आधार पे होता है, कहीं श्रेष्ठता के आधार पे होता है। तमाम तरीके से दुनिया में अलग अलग तरीके से अपनी श्रेष्ठता को बताने का प्रयास किया जाता रहा है, और अपनी श्रेष्ठता बताने का मतलब ये है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यदि जहां भी लगे कि आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज मैसेज बॉक्स में भी मैसेज कर दीजिए। हाँ, क्योंकि मैंने ये प्लीज रिपीट द टाइटल डायमेंशन ऑफ दलित दलित स्टडीज स्टडीज थैंक यू सर सर व्हाट विल बी द टाइटल दलित स्टडीज हाँ डायमेंशंस ऑफ दलित स्टडीज ओके सर जो मैं आप लोगों से कह रहा था कि दुनिया में भारत मुझे जहां तक मेरी जानकारी है उसके हिसाब से भारत एक ऐसा देश है जहां पे सो कॉल्ड मैंने तथाकथित जाति प्रथा है और जाति प्रथा के अंदर भेद है, लेकिन ये भेद न केवल भारत में है, भारत के बाहर भी है। अभी जैसे आप लोग यदि बहुत अवेयर होंगे और डेली करंट न्यूज डेली न्यूज दिखते होंगे तो अमेरिका में अभी भी अमेरिका पूरा जल रहा है। पिछले 1.5-2 महीने से एक अश्वेत एक ब्लैक जो वहाँ की जो रेसिडेंट है उस वहाँ का ब्लैक अमेरिकन का पुलिस वालों ने जिस तरीके से प्रकार से उसका मौत हुई उसके बाद जो पूरा अमेरिका जल गया जल उठा। और आज अभी कल मैं देख रहा था कल भी एक घटना हुई जिससे फिर एक अमेरिका का एक प्रांत जो है एक स्टेट जो है वहां पे पूरा चीजें खराब हो गई। तो इस प्रकार का ये जो घटनाएं हैं ये बताती हैं कि इंसान जो है और हम लोगों के साथ समस्या ये है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारा जो सारा जो थॉट प्रोसेस है वो यहाँ से दिमाग से होता है, हम दिमाग के द्वारा संचालित होते हैं और यही तय करता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये हमने तय किया है कि रंग के आधार पे कोई यदि गोरा है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, गोरा है तो वो बहुत सुंदर है। ये सुंदरता की जो अवधारणा है जो सुंदरता का की जो परिभाषा हमने बनाई समाज में संतोष जी प्लीज म्यूट योर माइक संतोष जी संतोष कुमार मलिक जी हाँ ओके सर ओके जो सुंदरता की जो अवधारणा बनाई मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं तो वहां पे भी ये इस प्रकार के भेद दिखाई देते हैं। एक रंग के आधार पे हो गया, दूसरा जो भेद है दैट इज दैट डिवीजन या दो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जेंडर के आधार पे, जिसकी बात मैं पिछले लेक्चर में गांधीयन थॉट के दौरान मैंने बात की थी बहुत डिस्क्राइब होके और बहुत साधारण शब्दों में मैंने आप लोगों से बात की थी। तो जेंडर बेस्ड जो डिस्क्रिमिनिटी है जो जो एक प्रकार से असमानता है वो न केवल भारत में पूरी दुनिया में हमने महिलाओं को फीमेल को सेकंड कैटेगरी सिटीजन के रूप में एक प्रकार से स्वीकार किया है या मान लिया है, और ये भी माना हमने यहाँ से इस दिमाग से, ये जो दिमाग है यही जो आपका सारा सिस्टम है जो चीजों को ये करता है करप्ट करता है, तो उसने ही ये तय किया कि महिलाएं जो है सेकंड कैटेगरी सिटीजन है। यदि रंग यदि आपका काला है तो आप निचले स्तर के हैं, यदि आप आपकी जाति यदि के इसमें आप यदि हायरकी में हैं तो आप उच्च जाति के हैं, ये निम्न जाति के हैं, ये अछूत हैं। ये जो संकल्पना है ये मनुष्य के दिमाग की गढ़ी दिमाग की उपज है। साथियों मैं चूंकि इतिहास का विद्यार्थी हूँ, आई एम द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, तो मैं आप लोगों से एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहता हूँ कि इंसान जो है यदि आप लोगों ने इतिहास कभी उस प्रकार से पढ़ा हो, हिस्ट्री उस प्रकार से पढ़ा हो, तो आप लोगों ने सुना होगा पैलियोलिथिक एज, मेजोलिथिक एज और नियोलिथिक एज।
पैलियोलिथिक एज वो था जब इंसान धरती पे पहले आया था और बहुत जो आइस एज था उसके बाद पहली बार चीजें हुई। उस समय इंसान शायद वस्त्र भी धारण नहीं करता था। पैलियोलिथिक के बाद मेजोलिथिक आया। पैलियोलिथिक से मेजोलिथिक के बीच में अंतर ये आया कि इंसान जो है पैलियोलिथिक एज में, यानी कि उसको कहते हैं पुरापाषाण काल, हमको हमने हिस्ट्री को जो हिस्ट्री को भी तीन हिस्से में बांटा हुआ है। द फर्स्ट हिस्ट्री इज दैट इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। जो प्री हिस्ट्री है दैट इज जहां पे कोई स्क्रिप्ट नहीं मिलता है, जहां पे कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं मिलता है। तो रिटन स्क्रिप्ट नहीं मिलता है इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि ये जाति की अवधारणा कहां से आई या किस प्रकार का आया, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्री हिस्ट्री में हम लोग स्टोन एज को रखते हैं, जिसमें तीन हिस्सा मैंने बताया, प्री हिस्ट्री पैलियोलिथिक एज पुरापाषाण काल, दूसरा है आपका मेजोलिथिक एज जिसको मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नियोलिथिक एज जिसको हम लोग कहते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल जो है आपका वो जो है आपको उसमें हम जो आधुनिक एक मिनट फोन डिस्टर्ब कर रहा है, एक मिनट के लिए। तो हमने इतिहास को तीन हिस्से में बांटा और जिसको प्री हिस्ट्री कहते हैं, तो प्री हिस्ट्री टाइम का हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हमको दिखाई दे। लेकिन साथियों जैसा मैं बताऊं कि मनुष्य का स्वभाव है डोमिनेंस, यानी दूसरे के ऊपर अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने का। तो मनुष्य ने सबसे पहले प्रभुत्व स्थापित किया, अपनी शक्तियों को पहचाना, और उसने सबसे पहले जानवरों में भी दो कैटेगरी है, एक है वाइल्ड एनिमल एक है डोमेस्टिक एनिमल। ये वाइल्ड, आप लोगों ने कभी सोचा कि वाइल्ड एनिमल कैसे हमने तय किया होगा और कैसे डोमेस्टिक एनिमल बनाया? तो वाइल्ड एनिमल वो थे जो हमारे काबू में नहीं थे, तो वो शायद शेर हो, चाहे चीता हो, चाहे बाघ हो, भालू हो, जो भी हो, तो ये वाइल्ड एनिमल की कैटेगरी में आ गए क्योंकि हम इनके ऊपर काबू नहीं पाते थे। बाद में हमने पाया, उनको बंद करके जू में रख दिया, वो अलग बात है। लेकिन यदि हम पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक की बात करें, स्टोन एज की बात करें, तो हमने वो किया। दूसरा, उसके बाद जब हम मेसोलिथिक तक आते हैं तो हमने हथियारों की खोज की और हमने शिकार करना और कच्चा मांस खाना शुरू हो गया और हम लोग डायरेक्ट जो है कच्चा मांस खाने का प्रयास हुआ। और नियोलिथिक नवपाषाण काल तक आते आते हमने अग्नि का आविष्कार कर लिया, आग की खोज हो गई, फायर का जो है उसने हमने खोज हो गया। तो अब हम उन मांस को पका कर खाने लगे। अब हम पहले हम कच्चा मांस खा रहे थे, अब हम पका हुआ मांस खा रहे। मैं ये सब बताने का प्रयास इसलिए कर रहा हूं कि इंसान ने कैसे चीजों पर काबू पाया। और जब प्री हिस्ट्री के बाद, एक मैंने आपको नाम लिया प्रोटो हिस्ट्री, स्टोन एज के बाद जो हिस्सा आता है वो कहलाता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री वो है जैसे कि हमारे यहाँ पे हड़प्पन एज, हड़प्पा काल का जो हमको जो पाकिस्तान में और भारत में जो साइट्स मिले हैं, मोर देन 1000 साइट्स मिले हैं, उस साइट्स में हमको बहुत सारा स्क्रिप्ट मिला है। वो स्क्रिप्ट आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो उनका लिखा हुआ स्क्रिप्ट तो है, यानी उनको लिखने की कला से वो परिचित थे प्रोटो हिस्ट्री के टाइम में, लेकिन उस स्क्रिप्ट को चूंकि नहीं पढ़ सके हैं हम लोग, तो उस हिस्ट्री को हम लोग कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। हिंदी में कहते हैं उसको हम लोग आद्य इतिहास और इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री। तो हड़प्पा काल का इतिहास जो भी हम लिखते हैं, या आप लोग स्कूलों में पढ़ा होगा, कॉलेज में पढ़ा होगा अपने, और जो इतिहास पढ़ते हैं, तो हड़प्पा का इतिहास पुरातत्व के आधार पे, आर्कियोलॉजी के आधार पे, उनकी बिल्डिंग्स को देख के, और पूरा एजम्पशन है। और हो सकता है कि जो हिस्ट्री लिखा गया है, जिस दिन वो स्क्रिप्ट यदि पढ़ लिया गया हमारे विद्वानों के द्वारा, यदि उस स्क्रिप्ट को पढ़ लिया गया, तो हड़प्पा का इतिहास जो पिछले 60-70 सालों से हम लोग पढ़ रहे हैं, वो इतिहास पूरा बदल जाए। क्योंकि जो हमने अनुमान लगाए हैं कि वहां मातृ देवी की पूजा होती थी और तमाम चीजें थी, मैं इन सब चीजों को आपको बता रहा हूं, यहां तक हमको कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमको ये दिखाई देता है कि मनुष्य का स्वभाव डोमिनेंट था, इसलिए उसने चीजों पे काबू पाया, चाहे प्रकृति पे काबू पाने की कोशिश की, अपने व्यवस्थाओं पे काबू पाने की कोशिश की। और प्रोटो हिस्ट्री तक आते आते हम लोग कृषि में दक्ष हो चुके थे। ये अलग बात है कि हमारे पास लोहा नहीं था, और आप देख पाएंगे जैसे हिस्ट्री का पीरियड है जो 1500 BC से माना जाता है भारत के कॉन्टेक्स्ट में, ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड जिसको कहते हैं, जिसके ऊपर हम लोग किताबें पढ़ते हैं,
तो वो आता है ऋग्वेदिक टाइम से, कि ये माना गया कि ऋग्वेद जो है फर्स्ट टेक्स्ट ऑफ इंडिया है, पहला टेक्स्ट है जिसको जो लिखा गया होगा। इसलिए 1500 बीसी से हमारा जो हिस्टोरिकल पीरियड स्टार्ट होता है। देन आफ्टर आपका आता है लेटर वैदिक पीरियड, जिसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जहाँ पे चारों वेदों की रचना हुई। उसके बाद आता है उपनिषद काल। इस प्रकार से आपका महाजनपद, जहाँ पे बुद्धिज्म और जैनिज्म का ये हुआ, ये सारी चीजें। अब हम इस चीज को समझें कि ऋग्वेदिक पीरियड में हम देख पाते हैं कि ऋग्वेद में दसवें मंडल में पहली बार हमको जो जानकारी मिलती है पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में बताता है कि ब्रह्मा के मुख से, उन्होंने कल्पना की कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, यानी कि जो नॉलेज को स्प्रेड करेगा, जो नॉलेज को करेगा वो ब्राह्मण होगा, जो भुजाओं से, जो हाथ से, यहां से भुजा से होगा वो होगा क्षत्रिय, जो जो शक्ति से अपनी सत्ता स्थापित करेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा। तीसरा, हाँ से, ये यहां से जो ब्रेन से काम करेगा और ज्ञान की बात करेगा, दैट इज ब्राह्मण। हाथ से करेगा वो हो गया आपका क्षत्रिय। उसके नीचे जो पेट वाला हिस्सा है, जो पेट भरने का काम करेगा, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उससे जुड़े हुए कोई भी कामगार हो, दैट इज कॉल्ड वैश्य। तो वो हमारी इस कैटेगरी में थर्ड ये होगा वर्ण सिस्टम का, दिस वॉज वर्ण सिस्टम। और उसके नीचे जो हमारे पैर हैं, यदि हम इसको कल्पना करें हमारे शरीर के हिस्से के, तो पैर का जो हिस्सा है, चूंकि पैर को आप देखिए, हम लोगों के यहाँ पे भारतीय संस्कृति में पैर को बड़ा तुच्छ समझा गया है। यदि मैं आप मेरे बाजू में बैठे हैं, मेरा हाथ आपसे टच हो जाए तो शायद मैं उसके लिए आपको सॉरी ना बोलूं, लेकिन मेरा पैर गलती से आपसे टच हो जाए तो मैं आपके लिए वो एक्सक्यूज मी, सॉरी और तमाम चीजें कहूंगा। और हम लोग यदि हिंदू हैं तो फिर हम यूं यूं करेंगे, है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये भी हमको दिखाता है कि हमने अपने हाथ को तो श्रेष्ठ माना है, पैर को निम्न माना है। लेकिन आप कल्पना करिए कि क्या पैर निम्न है, पैर में एक आटा चुभ जाए तो हमको समझ में आ जाता है कि उस पैर का क्या वैल्यू है, पैर में फ्रैक्चर हो जाए तो हमको समझ में आता है उसका क्या वैल्यू है। लेकिन हम जब इस सिस्टम को जब प्रैक्टिकली समाज में लागू करते हैं तो हम देखते हैं कि पहले तीन जो हिस्से हैं वो टचेबल्स हैं, और जो चौथा जो हिस्सा है वो अनटचेबल है। हालांकि अनटचेबल की जो बात है वो बहुत बाद में आई, और मौर्यन पीरियड, और मौर्यन पीरियड में जाके देख पाते हैं हम लोग 300 बीसी के आसपास जो अनटचेबिलिटी की बात आती है, और उसके बाद जाके गुप्ता पीरियड में अनटचेबिलिटी आती है। कास्ट सिस्टम जो है, ऋग्वेदिक टाइम में कास्ट सिस्टम नहीं था, दैट वाज वर्ण सिस्टम। एंड ऋग्वेद में एक बात और उल्लेख मिलते है कि मेरे पिता वैद्य हैं, यानी डॉक्टर हैं, मैं किसान हूँ, और मेरी माँ चक्की चलाती है, यानी कि एक ही परिवार में तीन प्रकार का काम है, मेरी काम के आधार पे आपने किया। जैसे आज के डेट में हम में से जितने साथी हैं अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग वर्ग के हैं, भारतीय कॉन्टेक्स्ट में बात करें, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सभी, आप सभी, अभी इसमें 50 लोग दिख रहे हैं, एक दो टेक्निकल स्टाफ को छोड़ दें तो पूरे 50 के 50 हम लोग यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान का हम प्रसार कर रहे हैं, और इस ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं, अर्थात हम जो है एक प्रकार से हम ब्राह्मण हो गए। यदि वर्ण सिस्टम की बात करें तो हम ब्राह्मण हो गए, क्योंकि हमारे मुख से ज्ञान की बातें हो रही हैं, ये ब्राह्मण है। और हो सकता है कि मेरा बच्चा या मेरी जो संतान है, यदि वो कोई दूसरा काम करे तो उसका कैटेगरी अलग हो जाएगा। मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो यदि जो सेना में सैनिक है वो हमारे क्षत्रिय हैं, सेना में हमारे क्षत्रिय हैं। लेकिन इसको यदि हम, ये इतना सरल होता दलित स्टडीज को पढ़ना, ये एक डायमेंशन है, ये एक डायमेंशन में बात कर रहा हूं कि एक तरीके से इसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि कर्म के आधार पे कह दिया तो वो चीजें कर्म हम जो करेंगे वो हमारा ये हो जाएगा। इट वॉज नॉट सो इजी इन द पास्ट, इट वॉज नेवर बी इजी इन द पास्ट। हमारी हिस्ट्री में ये कभी भी इतना आसान नहीं था जितना मैं आसानी से अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि जो 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 काम करेगा वो उसका जाति हो जाएगी, ऐसा नहीं। बाद में हुआ ये कि लगा कि ये काम अच्छा है, क्योंकि देखिए आज भी हम लोग जिस फैकल्टी, जिस प्रोफेशन में है, मैं सोचता हूँ कि दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोफेशन है, और खास करके हायर एजुकेशन में आप हैं तो वंडरफुल आप प्लेस पे आप हैं। कल सुरेश सिकरे सर मेरे साथ हैं, वो हम लोग बात कर रहे थे कि वी आर गेटिंग सैलरी एवरी मंथ एट द एंड ऑफ 31st, वी आर गेटिंग एवरी मंथ, वी डोंट हैव टू वरी कि कोरोना है, जॉब छूटा, मतलब हमारा जॉब तो है, घर में 4 महीने से बैठे हैं, बट वी आर गेटिंग सैलरी।
आप कल्पना करिए कि क्या मैं और आप नहीं चाहेंगे कि हमारा बच्चा भी इसी प्रोफेशन में आ जाए? बिल्कुल चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इतना आसान काम है, दिन में 2 लेक्चर देने हैं एंड पॉकेट में आपके लाख रुपया आ गया। हम लोग यूनिवर्सिटीज में है, वी आर गिविंग हार्डली 2 or 3 lectures एंड एट द एंड ऑफ द मंथ वी आर गेटिंग हैंडसम सैलरी। तो कौन नहीं चाहेगा ऐसा काम करना? क्यों नहीं मैं चाहूंगा कि मेरी संतानें हो, मेरी मेरे संतानों की संतानें भी इसी पेशे में आए जहां मेहनत कुछ नहीं है, सिर्फ जवानी जमा खर्च करना है। 24-25 साल तक अच्छी पढ़ाई कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, फिर इसमें आ जाइए, फिर उसके बाद ये ठीक वैसा ही कुछ षड्यंत्र हुआ ऋग्वेदिक के बाद, लेटर वैदिक में और उसके बाद के पीरियड में लगा कि ये काम अच्छा है कि हमको सिर्फ प्रोफेस करना है, हमको सिर्फ नॉलेज को शेयर करना है एंड वी आर इन द बेटर पोजिशन, क्योंकि नोबडी वांट्स टू वर्क, कोई लेबर बनना नहीं चाहता। कल मैं गांधी की बात कर रहा था परसों आप लोगों से, लेकिन मैं आपको दुखद बात ये कहूं कि हम में से कोई भी लेबर बनना नहीं चाहता, कोई भी अपने घर में सफाई करना नहीं चाहता, अपनी इच्छा से नहीं चाहता। और हम में से जितने साथी होंगे आज, भले हम किसी भी कंडीशन से आए हो, हम लोग कितनों भी सफर किए हो, कितनों भी स्ट्रगल किए हो, लेकिन यदि इफ यू वी आर गेटिंग हैंडसम सैलरी वी फॉरगेट अबाउट आवर पास्ट, हम अपने पास्ट को भूल जाते हैं और नीचे जिस स्तर पर आदमी है हम उसके साथ वैसा ही इल ट्रीटमेंट करते हैं जैसा कि कभी हमारे साथ भी हुआ था, हम भूल जाते हैं। क्योंकि ये बहुत यही चीज, ये जो करप्शन जो आता है, ये करप्शन यहां पे आता है, दिमाग में आता है। तो मेरा अपना जो साथियों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, दलित स्टडीज को पढ़ने का तरीका मेरा अपना था, क्योंकि मैं, मेरा पूरा बचपन, चूंकि मेरे परिचय में मैं कहां से था और क्या था, तो मेरे फादर जो है फॉरेस्ट में थे और ड्यूरिंग हिज सर्विस, द होल सर्विस आई वॉज इन बस्तर। बस्तर इज ए ट्राइबल एरिया and dense tribal area, their gonds, the mudiyas, the mariyas, and abuz mariyas are there. So, मेरा पूरा बचपन उनके बीच बीता है, tribes के बीच में, तो मैं जानता हूँ कि ये discrimination क्या होता है। इसलिए मेरा जो angle है वो academic नहीं है। Always I said in the, on the, all the platform कि whenever I give the speech, that is not the so-called academic lecture. My lecture is based on my own experiments. My own experiments. I have gone through that experiment and I have taught, learn myself. मैंने खुद अपने से सीखा है इन चीजों को और मैंने पाया है कि ये दिमाग का सब खेल है। चाहे उस समय ये कॉन्स्पिरेसी जो है, ये जो षड्यंत्र है, समाज में बैठा हुआ एक तबके को समझ में आ गया कि ये हमारे फायदे की चीज है, दूसरे को समझ में आया कि भैया हम भले ही थोड़ा युद्ध कर लेंगे, सत्ता में रहेंगे, ये हमारे लिए काम का चीज है क्योंकि हम दूसरे के ऊपर प्रभाव बना कर रखेंगे। और तीसरा जो था उसको लगा कि भैया हम अपना व्यापार करेंगे, हम कृषि करेंगे, हम अपने तरीके से चीजों को करेंगे। तो ये जो चीजें हैं साथियों, इनको इस प्रकार से मैं समझता हूँ, मेरा जो अपना मानना है कि ये जो षड्यंत्र है वहां से शुरू हुआ और वहां से बाद में ये जो सो कॉल्ड वर्ण सिस्टम था, शायद एक कल्पना थी और उसको हमने स्थापित कर दिया, उसको हमने एस्टैब्लिश किया। लेटर ऑन महाजनपद आते आते, यानी बुद्धिज्म के तक आते आते, हमने देखा कि कास्ट सिस्टम अच्छे से फिक्स हो चुका था, पूरे समाज में ये एस्टैब्लिश हो चुका था। एंड द फर्स्ट पर्सन इन द सोसाइटी, द फर्स्ट मैन हु रिवोल्ट अगेंस्ट दिस, दैट वाज गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने, हालांकि आज हम उसको बुद्धिज्म धर्म का नाम देते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि बुद्धिज्म भी एक थॉट प्रोसेस है। वो थॉट प्रोसेस ये था कि जो भी क्रिटिकल होगा, जो भी रैशनल होगा, जो भी लॉजिकल होगा, वो उसको लगेगा कि सो कॉल्ड जो कर्म कांड है हमारे धर्म में, जो पैसे की बर्बादी है और हम पैसे देकर जो पूजा पाठ यज्ञ करते हैं, पशु की बलि देते हैं, तमाम चीजें जो आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, तो पहली बार किसी ने आवाज उठाई, दैट वाज गौतम बुद्ध। उसके पहले एक और जो आते हैं हमारे इसमें, एक ऋषि चार्वाक, चार्वाक का नाम सुना होगा आपने। चार्वाक ने एक बड़ा संस्कृत में उन्होंने कहा था कि ये पूजा पाठ वगैरह सबको उन्होंने डिनाई किया था, बोला था कि दिस लाइफ इज मटेरियलिज्म पे बात की थी कि पूरी भौतिकतावादी जीवन है। ऋणम कृत्वा घृतम पिवेतम यावत जीवेतम सुखम जीवेतम, यानी कि ऋण लीजिए और घी पीजिए और जब तक जिए सुख से रहिए। ये उनका पूरा ये मेटेरियलिस्टिक अप्रोच था लाइफ के प्रति। तो साथियों, मेरा अपना जो मानना है इसमें कि गौतम बुद्ध ने पहली बार
सही मायने में इस बात को उठाई और कहा कि किसी भी प्रकार से मनुष्य का मनुष्य में भेद नहीं। और उन्होंने अपने बौद्ध विहार में और अपने संघ में किसी भी जाति के सभी प्रकार के जातियों के लोगों को उन्होंने इनवाइट किया और उनकी इसमें ये पहला हुआ। लेकिन बुद्धिज्म के साथ बुरा ये हुआ कि बुद्धिज्म जब तक गौतम बुद्ध रहे तब तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद फिर वो पार्ट में डिवाइड होता चला गया और बुद्धिज्म में भी वो तमाम बुराइयां आ गईं जो हमारे हमारे धर्म की चीजें थी, वो कर्मकांड, वो पूजा पाठ। जिस आज जो बुद्धिज्म दिखाई देता है वो गौतम बुद्ध का बुद्धिज्म नहीं है। उस बुद्धिज्म में आज हम लोग देखिए, जो भी बुद्धिस्ट हम लोग मानने वाले लोग हैं, हम गौतम बुद्ध की मूर्ति रखे, जैसी आपने मूर्ति रखी यानी बुद्ध को खत्म कर दिया आपने। जैसी हमने अंबेडकर की मूर्ति रखी, हमने बुद्ध को खत्म कर दिया, क्योंकि बुद्ध वाज अगेंस्ट ऑफ द ये मूर्ति पूजा के अगेंस्ट में थे। वो कह रहे थे कि किसी की जरूरत नहीं है आपको, आप तो सिर्फ विचारों को ये करिए, ब्रॉड आपका सोच होना चाहिए। उसने भी पांच बातें की, जो सत्य की, अहिंसा की, सत्याग्रह की, अपरिग्रह की, अस्तेय की, ये सारे पांच चारों पांच चीजें। लेकिन ये तमाम बुराइयां आप सारे धर्मों में आप जाके देखेंगे। तो बुद्धिज्म का भी भारत में, और गौतम बुद्ध ने कहा भी था कि मेरे बाद ये धर्म कितने साल बचेगा, ये उनके में संशय था। एक बुद्धिज्म के साथ बाद में कभी मैं जब वो स्त्री विमर्श में बात करता हूँ तो बात करता हूँ कि बुद्धिज्म गौतम बुद्ध के साथ एक समस्या उनके साथ भी थी, चाहे उस समय सोसाइटी की कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव में था, कि उन्होंने महिलाओं को अपने संघ में परमिशन नहीं दी थी। उनके प्रिय शिष्य आनंद के अनुरोध पे उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने एक लाइन कही भी साथ में कि यदि आनंद मैं तुम्हारे, तुम मेरे बहुत प्रिय शिष्य हो और तुम ऐसा रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं महिलाओं को परमिट करता हूँ हमारे इसमें आने का, लेकिन मेरा ये दावा है कि 500 साल से अधिक ये धर्म नहीं टिकेगा। और उनकी बातें सच हो गई कि गुप्ता पीरियड तक आते आते हमारे यहाँ बुद्धिज्म डिक्लाइन पे था। और आप देख पाते हैं कि बहुत ये फिर बाद में वो रिवाइव हुआ हर्षवर्धन के समय में, हम देख पाते हैं कि थोड़ा कहीं पे, लेकिन उसके उसका प्रभाव देखिए। आज जैनिज्म जो है आपके यहाँ बना हुआ है एक छोटे से हिस्से में, लेकिन बुद्धिज्म उस समय से भारत से बाहर हो गए। आज वो इंडोनेशिया, जापान, श्रीलंका, तमाम उन देशों में है, लेकिन भारत में उस रूप में नहीं। भारत में उस रूप में तब आया जब 14 अक्टूबर 1956 को अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को स्वीकार किया, तब फिर महाराष्ट्र में नियो बुद्धिस्ट, अब उनको भी नया नाम आ गया, नव बौद्ध नियो बुद्धिस्ट आ गया। तो हम इस प्रकार का देख पाते हैं। और नियो बुद्धिस्ट जो है, अब उनकी पहचान गौतम बुद्ध अंबेडकर ने जो चीज किया कि नियो बुद्धिस्ट बन गए, वहां उनकी समस्या आई नियो बुद्धिस्ट बनने से कि अब वो अपनी कास्ट आइडेंटिटी नहीं है। अब हम यदि कोई बोलता है कि मैं बौद्ध धर्म से हूं तो भारतीय संस्कृति में हम लोग उनको फट से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ओ दे आर दलित, मतलब उनकी जो जाति की पहचान है हम वहां भी उनको वो हमने बना के रखी, मतलब हमारी, क्योंकि ये बहुत और ये पीढ़ियों से चली आ रही है। इसमें सर आपका साउंड बहुत प्रॉब्लम होती है, ब्रेकिंग हो रही है। सभी को ऐसा हो रहा है? नहीं सर, क्लियर आ रहा है। नहीं सर, क्लियर आ रहा है। ठीक ही आ रहा है। हां सर, क्लियर आ रहा है। हां ऐसा आवाज, हाँ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जहाँ पे नेटवर्क का इशू होगा तो आवाज ब्रेक करेगा। ये मैंने दिखाई, मैं भी घर पे होता हूँ तो आप लोगों की आवाज कभी ब्रेक होती है या रिसोर्स पर्सन की होती है, क्योंकि वहाँ नेटवर्क कमजोर होगा तो ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर आवाज सर, क्लियर। सर जी एक बार सर जी आपने अपने एयरप्लेन मोड ऑन करके फिर ऑफ कर दीजिए, ऑन करके ऑफ कर दीजिए, एयरप्लेन मोड एक बार ऑन करके ऑफ कर दीजिए, काम होगा। अब फिर से ज्वाइन कीजिए। हारू मंडल जी आपके लिए, ये आपके लिए कह रहे हैं, आप ऐसा कर लीजिए, एक बार लेफ्ट करिए और लेफ्ट करके फिर से रिज्वाइन करिए। साथियों आज जिस बात को मैं करने के लिए आपके साथ हूं और उसके जो मैं एस्पेक्ट को हिस्ट्री के एस्पेक्ट में बता रहा था कि किस प्रकार से हुआ और गौतम बुद्ध ने एक पुरजोर आवाज उठाई और उसको देख पाते हैं, और उसके बाद फिर इतिहास में हम देखते हैं कि जो कास्ट सिस्टम है बद से बदतर होता गया, मतलब और बैड से वर्ष, वर्ष से वर्ष होता चला गया, खराब स्थिति होती गई, इतनी खराब हो गई कि एट लास्ट वो एक पूरा ग्रुप हमने बना दिया अनटचेबल्स का। अनटचेबल्स कौन थे इसको समझने की बात है। अनटचेबल्स हमने किनको रखा, तो आप समझिए कि एक ब्राह्मण लड़का और शूद्र की लड़की, या शूद्र ब्राह्मण लड़की और शूद्र का लड़का। यदि शूद्र का ब्राह्मण लड़की है और शूद्र का लड़का है, और शूद्र ब्राह्मण लड़की ने शूद्र लड़की से शादी कर ली, तो वो जो उसके जो संतानें होंगी
वो फिफ्थ ग्रेड में चले गए, दे आर नाउ अनटचेबल्स, उनको अनटचेबल बना दिया। जो क्रॉस जो कास्ट इंटरकास्ट मैरिजेस जो हुए, और ऐसा नहीं है कि इंटरकास्ट मैरिज आर्य समाज के आने के बाद भारत में शुरू हुआ, इंटरकास्ट मैरिज उस जमाने से हो रहा है। और इंटरकास्ट मैरिज जब हुआ तो उसमें यह हुआ कि यदि लड़की उच्च जाति की है और लड़का निम्न वर्ग का है तो वो जो है उसको हमने कहा संकर जाति, संकर यानी हाइब्रिड, और वो जो है उसको हमने अलग कैटेगरी बना दी, उसको हमने बाहर कर दिया और उसको हमने कहा कि ये जो है अछूत है। देखिए हमारे यहाँ जो अनटचेबल्स है, देखिए दो प्रकार से है। आज के डेट में यदि हम लोग बात करें तो शेड्यूल कास्ट को हमने सारे को एक कैटेगरी में रखा है, लेकिन आप बहुत मजेदार बात देखेंगे, मैं दलित स्टडीज की बात में कर रहा हूँ तो उस चीज को मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जैसे ही हम बात करते हैं भारत में आज के डेट में, हम यदि शेड्यूल कास्ट की आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन के 26 नवंबर 1949 को लागू होने के बाद, तो हमारे यहाँ जो जो थर्ड कैटेगरी रखी गई कि एक यहाँ रखा यू आर या जनरल, दूसरा रखा हमने ओबीसी तो बाद में 90s में आया मंडल कमीशन के बाद, लेकिन तीसरा है कि हम कहें एससी। एससी के अंदर भी आप देखेंगे तो पूरा एक बड़ा गैप है, एक जाति का आदमी उसमें भी दूसरा दूसरी जाति के साथ शादी नहीं कर। आज यदि हम लोग भारत में कहें कि संविधान लागू हो गया और अब अनटचेबिलिटी नहीं है, आर्टिकल 17 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो कहती है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, लेकिन वो अनटचेबिलिटी पब्लिक प्लेस पे खत्म हो गई है। इवन हमारे आसपास हम लोग जब होटल्स में होते हैं, ट्रेन में सफर करते हैं, बस में भी करते हैं, तब भी खत्म हो गई, लेकिन वो अनटचेबिलिटी बची कहां? अनटचेबिलिटी बची है रोटी और बेटी के संबंध में। रोटी इन द सेंस कि हम बैठ के क्या उसके उसको अपने क्या ब्राह्मण अपने घर में बहुत मजे से खिला रहा है क्या उसको, या वो उसके घर में जाके कर रहा है, तो ये संबंध बहुत कम है। हालांकि जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, जो अर्बन सोसाइटी है, वहां पे ये चेंज आया है, पढ़ा लिखा जो क्लास है वहां पे ये चेंज आया है, लेकिन अभी भी रूरल सोसाइटी हमारा वैसा ही है, कमोबेश वैसा ही है जैसा कि हम देख रहे हैं। दूसरा जो बेटी, रोटी मैंने कहा आपसे, यानी हम साथ में खान पान मैंने कहा कि अर्बन इसमें तो है, दिखाई देता है कि मतलब थोड़ा लोग प्रोग्रेसिव हो गए हैं, थोड़ी सोच बदली है तो हो गया, लेकिन यदि हम उसको दूसरा आस्पेक्ट लें जो बेटी वाला, मैंने कहा कि जहां हमारी बेटी की बात है यानी शादी की बात आई, तो हम आज भी मैं दावे से कह सकता हूं कि हम चाहे किसी भी समाज के हों, भारत के देश के किसी भी, जैसे यहां पे रेड्डी साहब बैठे हुए हैं, ये यूपी से बैठे हुए हैं, सीवी सिंह जो है, और हमारे बहुत सारे महाराष्ट्र से हैं, बंगाल से बैठे हुए साथी हैं, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि हर जगह एक कमोबेश प्रॉब्लम है कि हम अपने कास्ट से बाहर जाके मैरिज करते हैं तो हमको बहुत सारी और बहुत सारे ऑड्स को झेलना पड़ता है। और यदि हम खास करके रूरल में हैं तो हमको तो गांव से बाहर कर देंगे, जाति से कास्ट से बाहर कर देंगे, हमारा दाना पानी बंद कर देंगे। हरियाणा वगैरह चले जाएं, राजस्थान चले जाएं, तो भैया खाप पंचायत है, तो फिर आप अपनी हालत समझ सकते हैं। तो आज भी एक बात जरूर है कि संविधान के लागू होने से बदलाव आया है, संविधान के लागू होने से बहुत बदलाव आया। बदलाव कहाँ पे आया? बदलाव ये आया कि उनके सोशल स्टेटस में कुछ बदलाव आया, उनके इकोनॉमिक स्टेटस में आया, जॉब्स में बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन आज भी जो बड़ा सवाल है, क्या आपस में मैरिजेस हो रहे हैं, ओपनली हो रहे हैं? नहीं हो रहा। तो मतलब जैसे हम लोग बात करते हैं गांधी और अंबेडकर के डिबेट के बारे में, तो मैं बात करूंगा तो अंबेडकर का जो प्लान था उस हिसाब से तो चीजें ठीक हो गई कि इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ा, पॉलिटिकली साउंड हुए, कई राज्यों में पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं मतलब अपने आप में एक प्रकार से स्ट्रेंथन हुए, अपनी ताकत बढ़ा पाए। लेकिन उसका दूसरा एस्पेक्ट ये है जो गांधी कह रहे थे कि कानून लाने से कुछ बदलाव आएगा, लेकिन समाज के बदलाव को लाने के लिए यहां से इसको बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट नहीं बदला है, अभी भी हमारा माइंडसेट वैसा ही चल रहा है, हम माइंडसेट वैसा ही बना के रखे हुए, हमने कुछ भी बदला नहीं है, हम आज भी वो गुप्ता पीरियड में हैं या मौर्यन पीरियड में हैं, एंड वी आर थिंकिंग लाइक दैट, नॉट मोर देन दैट, वी आर नॉट प्रोग्रेसिव, वी आर जस्ट शोइंग कि हम प्रोग्रेसिव हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन जैसे ही अपने बच्चे की शादी की बात आती है तो वी रिस्ट्रिक्ट टू आवर कास्ट एंड उसका फिर इकोनॉमिक स्टेटस, नंबर वन फर्स्ट कास्ट के अंडर में इकोनॉमिक स्टेटस और सब चीजों को देखते हैं हम लोग बहुत
चूजी हैं इस मामले में और हम लोगों का ये बदलाव नहीं आया। मतलब मैं सोचता हूं कि संविधान के लागू हुए 70 साल होने जा रहे हैं, तो 70 सालों में हमारे अंदर में ये बदलाव नहीं आ पाया। कुछ जगहों पे हो रहा है, प्रोग्रेसिव है, जैसे मान लीजिए उसका मैं एक उदाहरण दूं कि जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर पढ़ने गए मेडिकल कॉलेज में तो वहाँ पे एक लड़का लड़की शादी कर लेते हैं, लेकिन शादी कैसे करते हैं, अगेंस्ट देयर पेरेंट्स। यदि शादी हो भी गई तो माँ बाप फिर लास्ट में ये मान लेते हैं कि चलिए, बहुत उनको मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं सीने में पत्थर रख के वो चीज करते हैं। तो ये जो बदलाव है ये बहुत बहुत कम मतलब कह सकते हैं मजबूरी का बदलाव है, ये स्वाभाविक बदलाव नहीं है। दूसरा, चूंकि मैं इसको पास्ट और प्रेजेंट के साथ कॉन्टेक्स्ट में जोड़ते हुए बात किया, दो तीन चीजें इसमें और मैं आपसे बात करूंगा कि ये जो आज मेरा टॉपिक है दलित स्टडीज, अब सवाल ये है कि दलित शब्द आया कब, क्या दलित शब्द कभी इतिहास में दिखाई देता है? तो मैं आपको कहूं कि दलित शब्द अंग्रेजों के आने के पहले नहीं दिखाई देता। डिप्रेस्ड क्लास, डिप्रेस्ड जिसको बहुत दबाया हो गया, कुचला गया हो, पीड़ित किया गया, शोषित किया गया, तो ये अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द था डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का फिर हमने जो मीनिंग निकाला वो निकाला हमने डिप्रेस्ड क्लास को, हमने हिंदी में जो अनुवाद था वो दलित था। गांधी ने एक शब्द दिया था हरिजन, तो हरिजन शब्द एक्सेप्ट नहीं हुआ। दलित शब्द भी आपके संविधान में एक्सेप्टेबल नहीं है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। द वर्ड एक्सेप्टेबल इज दैट शेड्यूल्ड कास्ट, जो कास्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रखा गया है कि इनका शोषण हुआ या जो भी है उसके उसके रिकमेंडेशन के आधार पे कुछ कास्ट्स को रखा गया, तो दैट इज कॉल्ड शेड्यूल्ड कास्ट, उसको कुछ उसका एक पैरामीटर है। और पहली बार डिप्रेस्ड क्लास जो आया हमारे इंडियन सोसाइटी में, ये वर्ड सेंसस ऑफ 1911 के सेंसस में इस बात को को लाया गया, और उसमें जो मीनिंग दिया गया कि जो सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेड हैं, जो लोग बहुत ज्यादा दबाए हुए हैं समाज में, जिनका हक छीना गया है उन लोगों का, तो एक प्रकार से इसमें जो बड़ा वर्ग है तो इसको माना गया दलित शब्द जो है। अब लेकिन और आपको मजेदार बात बताऊं कि अब दलित शब्द पे भी आपत्ति हो रही है, दलित शब्द भी बोले जाने पर आपत्ति है कि तो इसके लिए नया शब्द क्या होगा, क्या नॉमेनक्लेचर होगा, क्या इसको दिया जाए, क्योंकि दलित अध्ययन के दलित स्टडीज के नाम से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे पूरे विभाग हैं और उसके हिसाब से चीजें चलती हैं, दलित स्टडीज के नाम से पूरे संस्थान बने हुए हैं, तो आज उस पर भी आपत्ति हो रही है। लेकिन इस दलित को मैंने जैसे मैंने बताया कि बुद्धिज्म की जो बात है, बुद्धिज्म के बाद यदि हम आगे आते हैं तो हमको पूरा एक लंबा गैप दिखाई देता है जो इनके खिलाफ बोलने के लिए कोई नहीं था, इनकी 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 आवाज बनकर समाज में कोई नहीं दिखाई देता है, दलितों के समाज में अलग से आवाज उठाने वाला कोई नहीं देता, कोई आपको लीडरशिप नहीं दिखाई देती लगातार हजारों साल तक आपको कोई आवाज नहीं दिखाता। लेकिन मध्यकाल में भी आप आए, मध्यकाल में आप देखते हैं दो मूवमेंट के बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन में आकर दो तीन लोगों ने इस पर बात की, जिसमें से सबसे बड़े जो बड़ा नाम जो आता है वो आता है कबीरदास का। कबीरदास ने अपने बहुत सारे दोहे में, चौपाई में और उसमें अपने जो उसमें अपनी कविताओं में उसमें लिखा है, तो जो बहुत मोस्ट रिवोल्यूशनरी बात लिखते हैं वो आपको दिखाई देते हैं कबीर। तो कबीर ने लगातार इस बात को उठाई। उसके बाद रैदास का नाम आता है, संत रैदास का नाम आता है, और रविदास जो है उनका नाम आता है। महाराष्ट्र के बहुत सारे संत हैं, संत तुकाराम हो गए और इसके अलावा रामदास हैं, बहुत सारे संत हैं जिन्होंने अपनी भक्ति वाणी के द्वारा ये बातें उठाई, लेकिन कुछ भी ये कॉन्क्रीट नहीं था। इन्होंने उस गैर बराबरी के खिलाफ आवाज तो उठाई या अपनी बातें कही, लेकिन चूंकि ये संतों की वाणी थी तो समाज में उसको गाया गया, सराहा गया, लेकिन उसको उस प्रकार से एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली। अब सवाल ये है कि ये जो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी, इसके पीछे कारण ये था क्योंकि किसी भी संत ने भी या किसी लोगों ने या इवन गौतम बुद्ध ने भी पॉलिटिकल आइडेंटिटी की बात नहीं की, राजनीतिक अधिकार की बात नहीं की, शायद वो हमारे में चेतना नहीं थी या हमने उसको माना नहीं था। तो इस चीज को
इस प्रकार से समझा जा सकता है। मैं उन पहलुओं पे नहीं जाऊंगा कि उनके साथ दलित जो थे या जो अनटचेबल्स थे उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, ये हम सबको पता है और हम लोग जितना पढ़े हैं वो सब जानते हैं आप लोगों की उनके साथ बहुत खराब व्यवहार हुआ। ये मान लिया गया कि कुछ व्यवसाय चाहे चमड़े का है चाहे और भी जो व्यवसाय हैं ये उन पर्टिकुलर उन जातियों का, ये उसके लिए हमने फिक्स कर दिया है। और आज भी आप देखिए समाज में हम लोग देखते हैं कि जो खास करके स्वीपर्स हैं, जो आप लोग देखते होंगे कि चाहे बॉम्बे में हो दिल्ली में हो, मालूम हुआ कि उस सफाई करते हुए जो सफाई कर्मी है उनकी मौत हो जाती है। आज भी उनकी स्थिति बहुत खराब है, जिनको हम लोग वाल्मीकि समाज में के रूप में मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रयास किया था स्वच्छता दिवस के दिन, सबसे पहले वो वाल्मीकि जो कॉलोनी है वहां गए और सफाई किया और सब चीजें की। ये सिंबॉलिक चीजें हो रही हैं लेकिन ये सिंबॉलिज्म से काम नहीं होगा, इसको हमको प्रैक्टिकल में करना पड़ेगा, इसको बदलाव लाने के लिए उस प्रकार से सोचना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र के संतों का योगदान के बाद मैं यदि बात करूं तो किसी ने कॉन्क्रीट रूप से यदि आवाज उठाई तो हम देख पाते हैं वो थे आपके महात्मा ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का दुर्भाग्य ये रहा कि भारतीय इतिहास लेखन में जो हमारे यूरोपियन जो खास करके जो इतिहास लेखक थे जो साम्राज्यवादी इतिहासकार रहे उन लोगों ने हमारी इस हिस्ट्री पर काम नहीं किया। और बाद के भी हमारे नेशनलिस्ट हिस्ट्री की किताबें उठा के देख लीजिए साथियों, वो नेशनलिस्ट हिस्ट्री की जो नेशनल लेवल पर जो किताब चलती है उसमें ज्योतिबा फुले के बारे में एक पैराग्राफ से ज्यादा नहीं मिलता आपको, एक पैराग्राफ या कहीं किसी किसी ने एक फुल पेज दे दिया, उसके अलावा ज्योतिबा फुले के बारे में कोई बात नहीं होती है। तो ये दिखाता है कि अभी भी हमारा जो माइंडसेट है वो नहीं चेंज हुआ। इतिहास लेखन में भी हम सो कॉल्ड बायसेस के साथ हैं, हमारे में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। कल बेदरे सर परसों कह रहे थे कि हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिविटी की बहुत ऑब्जेक्टिव मतलब विटी होता है वस्तुनिष्ठता, यानी कि हम बहुत ये होके तटस्थ होके हम इतिहास लेखन नहीं कर पाते, ये बड़ा दुर्भाग्य और इसको बदलने की आवश्यकता है। तो ज्योतिबा फुले के बारे में जो मैं कह रहा था, ज्योतिबा फुले वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एक प्रकार से उस गैर बराबरी की बात को एक आवाज दी और उसको न केवल पहचाना जबकि उसको उसके लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। और सबसे पहले बहुत कम आयु में ही अपनी पत्नी के साथ मिलकर जो है अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन्होंने दलित महिलाओं के लिए स्कूल खोला और उस स्कूल को खोलने में उनकी मतलब सहभागिनी थी उनकी खुद पत्नी। और उनके पिता ने भी चूंकि उनके रिवोल्ट जो जिस प्रकार से उन्होंने रिवोल्ट किया था उन चीजों को ईश्वर को मानने से इनकार कर दिया था और मूर्ति पूजा का इनकार किया था, तो उनके पिता ने भी घर से बाहर कर दिया। और वो घर से बाहर निकलने के पश्चात कुछ दिक्कत हो रहा तो बाहर निकलने के पश्चात जो चीजें थी क्या कुछ कर दिया ना। तो सवाल ये है कि ज्योतिबा फुले की जो बात है, ज्योतिबा फुले जो पहले कह सकते हैं क्रांतिकारी थे या रिवोल्यूशनरी थे जिन्होंने पहली बार इस इशू को एक प्रकार से बड़े पैमाने पर फैलाया। और ये उनका ही प्रयास था कि पूरे महाराष्ट्र में उनके जाने के बाद तक ये बातें बनी रही। उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, उन्होंने किताब लिखी गुलामगिरी और उसके अलावा बहुत सारी किताबें लिखी। और लेकिन मैं जो जिस चीज को आज जिस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहता हूँ, मेरे महाराष्ट्र के बहुत सारे साथी हैं, मैंने महाराष्ट्र में एक लेक्चर दिया था तो वहां भी मैंने इस बात को उठाया था कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ एक समस्या ये आ रही है कि वो मराठी में काम कर रहे हैं और मराठी इज एक्सेप्टेबल इन विद इन द मराठवाड़ा या महाराष्ट्र के अंदर में, महाराष्ट्र के बाहर आपकी बात नहीं जा रही है। तो आपको काम करना होगा, बाइलिंगुअल होना पड़ेगा, मल्टीलिंगुअल होना पड़ेगा, या तो आप हिंदी में भी काम करिए तो हिंदी के प्रदेश में जान पाएंगे। ये बात सही है कि अंग्रेजी में आप काम करते हैं, मैं ये मानता हूँ कि एकेडमिक लेवल पे अंग्रेजी में काम करने वाले बहुत लोग हैं, एकेडमिक आइडेंटिटी मिल जाती है, लेकिन आप लोगों तक नहीं पहुंच पाते। यदि आपको भारत में यदि आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये राज्य जो हिंदी बेल्ट है, यदि आप वहां नहीं पहुंच पाए तो आप समझिए कि आपकी बात, आप अपने घर पे कितना भी हल्ला करिए उसका कोई मतलब नहीं है। यानी आप अपने इतिहास में आप कुछ भी कहिए कि हमारे ये ज्योतिबा फुले ये हैं, इनका ये माने रखता है, यदि आप उस बात को इस डोमेन में ला के नहीं रखते, क्योंकि आप देखिए यहाँ भी जो सरकारें बन रही हैं, सरकारें भी इन्हीं राज्यों से बन जा रही हैं,
यही 5-7 राज्य जो है आपके देश का भाग्य बदल देते हैं। और इतिहास भी गवाह रहा है कि इन्हीं राज्यों पर राज्य करने वाले लोग दिल्ली की सत्ता पर बैठे हैं। तो आपको ये जानना पड़ेगा, तो आपको काम करना। इवन मैं बंगाल के जो साथी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि ठीक है आप अंग्रेजी में काम कर रहे हैं, आपको एकेडमिक आइडेंटिटी बहुत मिलेगी, लेकिन यदि आप हिंदी में उस चीज को नहीं ला पा रहे हैं तो भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि अंग्रेजी पे काम करने, अंग्रेजी को पढ़ने और समझने वाला भारत का जो वर्ग है वो हार्डली 20-23% है, हार्डली 20-23% है। तो आपको उस एस्पेक्ट पे भी काम करना पड़ेगा। दलित स्टडीज में खास करके महाराष्ट्र के जो लोग काम कर रहे हैं उनको अपना माइंडसेट बदलने की जरूरत है, और जितना काम वो कर रहे हैं, चाहे ज्योतिबा फुले पे, चाहे अंबेडकर पे, चाहे और अन्य जो लोगों पे, साहू जी महाराज पे काम कर रहे हैं, तो उन पे काम जो कर रहे हैं उसको आपको दूसरे लैंग्वेज में भी करना पड़ेगा। और जब तक आप नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि उस काम को एक लिमिटेड ही स्पेस दे पा रहे हैं आप, तो ये बदलाव करना पड़ेगा। ज्योतिबा फुले का जो कंट्रीब्यूशन है इसलिए इम्पोर्टेंट है, शायद मुझे लगता है अंबेडकर से बढ़ के है, क्योंकि यदि ज्योतिबा फुले नहीं होते तो शायद अंबेडकर नहीं होते। इस चीज को समझना पड़ेगा, क्योंकि ज्योतिबा ही फुले ही ऐसे थे जिन्होंने महाराष्ट्र के बच्चे बच्चे में खास करके एक ये एहसास दिला दिया कि जो गैर बराबरी है वो गलत है, इस गैर बराबरी के खिलाफ लड़ना है। और आज आप देखिए कि दलित यदि पूरे भारत में कहीं बहुत ज्यादा, my one colleague wants to join us, he is not a participant of this course, but he want to join this join to us because he is very much interested in this Dalit studies. Can you allow me? Yes, he can. He is a faculty somewhere. Yeah, he is a faculty in my college. Okay, that's okay. One of my friend Suresh Shikreji from Kolhapur, he is also with us. And yeah, that is not the problem. We are nothing hiding. We are just. Sure, sure. Thank you. Okay. Please, thoda sa. Okay. One more thing, sir. Sir, the Pune University was named after Savitribai Phule. So she was related to Jyotirao Phule or. Savitribai, sir. Savitribai Phule was the wife of Mahatma Phule. Okay. Now I get. So, सवाल ये है, हम लोग जो मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि उस ये dimensions किस, क्योंकि dimensions हैं अलग अलग, मैंने आपको बताया अलग तरीके से कि हम जो देख पाते हैं या दलित को पढ़ने का। एक और चीज मैं बात करूंगा इसके आगे कि जो काम ज्योतिबा फुले ने किया वो उसका प्रभाव ये रहा कि उसने महाराष्ट्र के दलितों में एक प्रकार की उम्मीद की किरण जगा दी। और आपको बहुत जान के, बहुत सारे साथी आज हमारे बंगाल के हैं, उनको ये नहीं पता होगा कि हम लोग आरक्षण या रिजर्वेशन को देखते हैं डायरेक्ट, उसका जो रिलेशन बताते हैं अंबेडकर के साथ, लेकिन साथियों आपको जान के आश्चर्य होगा कि आरक्षण की सबसे पहली बात जो हुई थी वो महाराष्ट्र में हुई थी, और अंबेडकर उस समय बहुत छोटे थे, उन्होंने हाई स्कूल भी पास नहीं किया था, तब की बात है। और जब वो स्कूल में ही थे तब साहू जी महाराज जो कोल्हापुर के सतारा या काला कोल्हापुर के जो महाराज थे साहू जी महाराज, उन्होंने अपने रेजिम में, अपने एरिया में ये गवर्नमेंट जॉब में, मतलब जो उनके राज्य के, जो ब्रिटिश राज के इसमें जॉब में, उन्होंने 50% तक का रिजर्वेशन किया ओबीसी और उस समय जो पिछड़ी जातियां थी, और उनको, और उसको उस समय दलित शब्द तो नहीं था लेकिन हाँ जो पिछड़ी जातियां थी उन जातियों के लिए जॉब में एक किया। और ये एक प्रकार का प्रयास है। अब ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं दावे से कह सकता हूँ, शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे, जैसे हाँ रेड्डी साहब जुड़े हुए थे अभी, शायद नहीं दिखाई दे रहे, रेड्डी साहब होंगे तो उनको पता है कि ईवी रामास्वामी नायकर दक्षिण भारत में हुए, रामास्वामी नायकर भी दलित नहीं थे लेकिन उन्होंने पूरी लाइफ जो है लड़ाई दलितों के लिए की। वो एक अच्छी खासे बिजनेसमैन थे, नारियल का उनकी खेती थी और नारियल के बागान थे, लेकिन पूरा लाइफ टाइम उन्होंने फाइट किया अगेंस्ट दिस अनटचेबिलिटी। सर रेड्डी सर, आई एम करेक्ट? ठीक है। हाँ, एक बात और, केरला से भी हमारे कोई साथी हैं, केरला से भी हैं शायद, कि पता नहीं, केरला से मेरे ख्याल से एक साथी हमारे साथ हैं। तो केरला में भी जो हुए वो एसएनडीपी, श्री नारायण गुरु,
एसएनडीपी जो है श्री नारायण गुरु, वो जो है दलित मूवमेंट को वहां पे चलाने वाले थे। तो अब देखिए, जो मेन लाइन में हम लोग सिर्फ बात करते हैं दलित मूवमेंट के साथ बात करते हैं पैन इंडिया में, तो हम लोग सिर्फ बात करते हैं अंबेडकर के बारे में बात करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं ईवी रामास्वामी नायकर को, हम भूल जाते हैं आपने क्या नाम है ज्योतिबा फुले को, हम भूल जाते हैं आपके एसएनडीपी श्री नारायण गुरु को। तो इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि खुद अंबेडकर कहते हैं कि यदि अंबेडकर ज्योतिबा फुले नहीं होते तो शायद वो चीज, वो जागृति उनके दिमाग में भी नहीं आती, क्योंकि उन्होंने वो जो चीज देखा, जो एक प्रकार से जो लॉजिकल सोचने की बात है, जो उस प्रकार से क्रिटिकल सोचने की बात है, वो ज्योतिबा फुले ने महाराष्ट्र के लोगों में दी। देखिए, सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम अचानक से नहीं आया कि ज्योतिबा फुले ने सोचा, सवाल ये है क्रिटिकल सोचना कि जो गैर बराबरी है, जो जो छोटे और बड़े का भेद है, इसके बारे में हम क्यों नहीं सोच पाते हैं। ये जो गैर बराबरी है, इसके बाद ये तो हजारों साल से चल रहा था, करीबन करीबन 3000 साल से गैर बराबरी चल रही थी, तो कोई आवाज क्यों नहीं उठाया? क्यों इसलिए नहीं आवाज उठाया? क्योंकि हमने कभी क्रिटिकल सोचा ही नहीं, कभी भी हमने उसको एनालाइज करने का नहीं प्रयास किया, और ये हमारा दुर्भाग्य। मैं कभी कभी मैं सोचता हूँ, जब इतिहास पढ़ता था छोटा था, तब मुझे लगता था कि यार ये जो जो महिला पुरुष के बीच में जो भेद है, ये जाति का जो भेद है, क्या महिलाओं ने कभी आवाज नहीं उठाई बराबरी के लिए? तब मुझे आज मैं जब कल जब मैं कुछ उदाहरणों के साथ आपके साथ बात कर रहा था, तो मैंने ये मान लिया कि चाहे वो दलित हों चाहे स्त्री हों, मैं दोनों को एक ही कैटेगरी में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि वो ठीक है, वो हमारे परिवार में ठीक है, हमारी पत्नी है, हमारी बेटी है, हमारी बहन है, लेकिन उनका कंडीशन भी हमारे घर में दलित जैसा ही है, वो भी सेकंड कैटेगरी सिटीजन है आज भी। तो सवाल ये है कि उन लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्योंकि उन्होंने मान लिया कि ये हमारा भाग्य है, ये लड़कियों को ऐसा ही करना है। ऐसा ही दलितों ने भी मान लिया कि हमको तो भैया गाँव के उस हिस्से में नहीं जाना, जहाँ पे गाँव का उच्च जाति के लोग रहते हैं, जहाँ ब्राह्मण्स रहते हैं, जहाँ पे सवर्ण रहते हैं, वहां पे हमको नहीं जाना है, हमारा वो एरिया नहीं है। यूपी और बिहार में एक एरिया होता है जैसे कॉल्ड चमरौटी, चमरौटी भरौटी, इस टाइप से आप लोग सब जानते होंगे, यदि यूपी यदि गए होंगे तो वहां पे देयर इज ए पार्ट ऑफ विलेज दैट इज कॉल्ड चमरौटी, देयर द सर्टेन कास्ट ऑफ पीपल हु वर्क्स इन फॉर लेदर वर्क्स, दैट कास्ट पीपल दैट, मतलब यदि वर्ड में कहें, आज वो वर्ड बैन है, बट ड्यू इसमें चूंकि एकेडमिक बात हो रही है, तो उसमें चमार जाति के लोग उस एरिया में रहते हैं, तो उनके लिए हमने चमरौटी बना दिया गांव में। वो चमरौटी जो है वो आपके राजपूतों के, वो आपके ब्राह्मण्स के या वैश्य के गांव में प्रवेश नहीं कर सकते, दे कैन नॉट एंटर देयर, क्योंकि उनकी लिमिटेशन है, उनको उनको वहां बांध दिया गया। दूसरा एक और आपको दुर्भाग्य वाली बात बताऊं कि यूपी बिहार राजस्थान ये सारे जो क्षेत्र में जहां पे यदि भोज होता है, चाहे विवाह के समय हो, शादी के समय हो, या उसमें उसमें करते क्या है कि पर्टिकुलर उस कास्ट के सबसे पहले ब्राह्मण खाएगा, या उसके बाद अब तो खैर शहरों में अब बुफे सिस्टम आ गया, सब लोग आप प्लेट में लो और खाओ, लेकिन किसी जमाने में जब पंगत लगता था तो लोग जो है नीचे बैठ के घुटने के बल पर बैठ के और उनके सामने पत्तल रख दी जाती थी और खाना ऐसे दिया जाता, फेंक दिया और वो खाते थे, और सबसे लास्ट में वो खाते थे और अपना पत्तल भी उठाकर वो लेके जाते थे। सर आज भी हो रहा है, सर आज भी है गांव में काफी हद तक ये चीज, यहाँ यूपी वगैरह में मैं देखता हूँ गांव में जाकर काफी हद तक अभी भी बहुत ज्यादा ये है। जी 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 जी, मैंने आपने सही कहा, क्योंकि आज भी रूरल एरिया में, और मैं बुंदेलखंड में हाँ मैं अभी बुंदेलखंड में हूँ, सागर इज इन बुंदेलखंड इज वेरी मतलब क्या बोलते हैं, आर्थिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे भी अनटचेबिलिटी है, यहाँ भी समाज में मैं देख पाता हूँ कि सर्टेन कास्ट के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है। और दूसरा आज भी वो रिजिडिटी जो है खास करके रूरल एरिया में वो बना हुआ है, वो बना हुआ है। तो अब ये जो चीज है, इस चीज को अब सवाल ये है कि हमने ये मान लिया है, अभी आज भी गांव में जो लोग हैं वो मानते हैं कि नहीं भैया वो तो उनके उनके उधर नहीं जाना है, उनमें से कोई पढ़ा लिखा बच्चा यदि आ जाए जो क्रिटिकल सोचने लगा तो बोलता है क्यों नहीं जाओगे, वो भी तो हमारे जैसे हैं। ये बात कहने में हमने 3000 साल लगा दी साथियों। मैं अंबेडकर से बढ़ के मैं ज्योतिबा फुले को इसलिए रखता हूं क्योंकि ज्योतिबा फुले वॉज द फर्स्ट मैन हु रिवोल्ट अगेंस्ट द ट्रेडिशनल सिस्टम, दैट इज वाई ही इज फार अहेड ऑफ अंबेडकर। Ambedkar said only about the political power of the Dalits.
बट ज्योतिबा फुले वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रिकॉग्नाइज कि ये जो डिस्क्रिमिनेटी है, जो भेदभाव है, ये नहीं होना चाहिए। और आपको बहुत मजेदार बताऊं कि अंबेडकर जब तक भारत में थे इस चीज को नहीं समझ पाए थे। जब वो कोलंबिया गए, पढ़े वहां पे, वहां पे देखा कि वहां तो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं दिखा कास्ट सिस्टम को लेके। वापस आए जब उनको नौकरी दी किसी महाराज, मुझे नाम याद नहीं, बड़ौदा के गायकवाड़ या साहू जी महाराज ने अपने यहाँ पे जॉब दिया, और वहां पे वो जब करने गए तो जिस होटल में, सयाजीराव गायकवाड़, हाँ गायकवाड़ जी ने, जी जी गायकवाड़, हाँ गायकवाड़ जी ने अपने यहाँ बहुत अच्छी नौकरी दी। तो जहां पे होटल में रुके तो होटल वाले ने बाहर फेंक दिया, कह रहे तुम तो फलाना कास्ट के हो। जो चपरासी उनको लाके फाइल देता था वो फाइल फेंक देता था, पानी भी उनके लिए बहुत अलग था। तो मतलब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद अम्बेडकर ने ये बात की। वो तब रियलाइज किए जब उन्होंने, जब वो विदेश गए, विदेश से भारत आए, तब उन्होंने कंपेयर किया, तब जो उस चीज को रियलाइज किया। ज्योतिबा फुले भारत में रह के इस चीज को रियलाइज करके, क्रिटिकल थिंकिंग थी और उन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई। और गुलामगिरी पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि वो कितना क्रिटिकल थे। गुलामगिरी आप लोग पढ़िए, मैं आप लोग सभी से कहूंगा, अभी मराठी में है और कुछ अनुवाद भी हुआ है। हेलो सर जी, पंकज कुमार जी, ब्राह्मो नाचो कसाबे, वो भी उसमें ब्राह्मो नाचो कसाबे ज्योतिबा फुले का लिखा, जो उसमें भी दलित मूवमेंट का है क्या? ब्राह्मो नाचो कसाबे एंड गुलामगिरी ज्योतिबा फुले, हाँ हाँ गुलामगिरी, गुलामगिरी जी, एंड सत्य साधक समाज सर, हाँ सत्य साधक समाज भी उन्हीं का है। हाँ थैंक यू सर। हाँ एक दूसरा है सर, उसमें आसूर भी है उनका, आसूर, आसूर इट्स इन मराठी। ओके ओके ओके, आसुर जो है उनका मराठी। अब देखिए नायक साहब, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है जो महाराष्ट्र के मेरे साथी हैं, मैं तो कहूंगा कि आप लोग यदि कुछ नया रिसर्च पेपर लिखें तो आप लोग हिंदी में या अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करें, और ट्रांसलेट करके हम लोगों के पास तो कम से कम आए। तो मैं कम से कम अलग अलग, मैं जहां भी जाता हूँ तो मैं अपने तरीके, मैं लिमिटेड रिसोर्स से आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। आई हैव वेरी लिटिल, आई विल डू। हाँ यस, तो मैं सुरेश सिकरे जी को मैं थैंक यू बोलूंगा जो मेरे साथी हैं, उन्होंने एक किताब मुझे भेजी है ज्योतिबा फुले पे, अभी फिर से आज ही पोस्ट किया उन्होंने, और वो हिंदी में है। तो मैंने उनसे बस आग्रह किया था कि चूंकि महाराष्ट्र में बहुत ऐसा लिटरेचर है, बहुत लिटरेचर है और ज्योतिबा फुले का तो पूरा वांग्मय निकला है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दैट इज इन मराठी, तो उसको हमको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता है, उसको हमको समझने की जरूरत है। इसलिए ज्योतिबा फुले के बारे में मैं आज अपने लेक्चर में ज्यादा समय लेके बोल रहा हूँ, क्योंकि अंबेडकर के बारे में पैन इंडिया में लोग जानते हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन को लेके जानते हैं, संविधान बनाने के बारे में जानते हैं, लेकिन इनके बारे में बात करना इसलिए जरूरी था कि मैं आप लोगों से यही कहता हूं। जैसे कल हमारे परसों जो है साथी हारू मंडल जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि एट द हायर एजुकेशन लेवल में प्रिंसिपल जो है किस प्रकार से बात करता है। एक प्रिंसिपल जो है अपने सबॉर्डिनेट जो नए न्यूली रिक्रूटेड टीचर है उसके साथ भी कास्टिस्ट होके बात कर रहा है, मतलब हमारा माइंड जो है आज भी हम लोग एंशियंट टाइम में है, हमारा चेंज में कोई प्रोग्रेसिव नहीं आया, मतलब हमने पीएचडी। सर एक बात, हमने एक बात ऐड करूं? हाँ सर। हाँ मैं जो जिस कॉलेज के आते हूँ ना, जहाँ से मैं आते हूँ जिस कॉलेज से, जी जी, तो वहाँ का एक जो सीनियर प्रोफेसर है उसका कास्ट में नहीं बताऊंगा, लेकिन उसका कमेंट यही था कि आने वाला दिन हमारा कॉलेज एससी का कॉलेज हो जाएगा, एससी रिक्रूटमेंट हो जाएगा, सब एससी पोस्ट हो जाएगा, सो एससी कॉलेज कहा जाएगा। सो ऐसा बात जो सीनियर प्रोफेसर है उसका मुख से निकलता है जूनियर प्रोफेसर की तरफ से, तो आप कैसे इसे जस्टिफाई करेंगे ना? मैं बोल रहा हूँ, मैं यदि होता आपकी जगह पे तो मैं जवाब देता। आप थे वहां पे जहाँ पे वो बोल रहे थे, आप थे वहां पे, खड़े थे? You are there. मेरा कॉलेज छोड़ा, मेरा बेको मैं था तो उसको वहीं पे बोलता क्या बोलना चाहिए था। हाँ एक्चुअली उनको ये बोलना चाहिए था कि हाँ ये हो जाएगा, यदि आप नहीं पढ़ोगे, आप मेहनत नहीं करोगे, आप फाइट नहीं करोगे तो ये ऐसा होगा, ये होगा, है ना। और समय हो तो बलवान, एक कहावत है, समय बहुत बलवान होता है और समय का एक साइकिल होता है, तो ऐसा टाइम भी आएगा कि दलित्स विल बी हेयर एंड जो दैट सवर्ण विल बी देयर एंड दे है। और ये क्यों होगा? क्योंकि हम अभी चेंज नहीं करेंगे, मतलब मैं कहता हूं कि जो अपने आप को सवर्ण मानते हैं या उनको ये प्राउड है कि दे आर फ्रॉम हायर कास्ट एंड दे आर क्या बोलते हैं वो बहुत श्रेष्ठ हैं, ये तब तक बना रहेगा जब तक कि वो सोचते रहेंगे। उनको ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, टाइम है चेंज, मैं हो सकता है, देखिए जो जन्म लेना है वो बाय डिफॉल्ट है,
मैं शूद्र के यहाँ भी पैदा हो सकता हूँ, मैं सवर्ण ब्राह्मण के यहाँ भी पैदा हो सकता किसी, तो वो उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, दैट इज वो हमारा अधिकार नहीं। लेकिन ये अधिकार है कि हम समाज में अपना अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी कैसे बनाएं, कैसे हम आगे बढ़ के हम आपको दिखाएं, तो फाइट तो करना पड़ेगा। और साथियों आप लोग जैसे हारू मंडल कल बोल रहे थे, उनके प्रिंसिपल ऐसा बोले, तो आपको जवाब देना आना चाहिए। अंबेडकर, देखिए अंबेडकर का मूर्ति लगाने से कुछ नहीं होगा, मैं बार बार कहता हूँ, ज्योतिबा फुले का फोटो लगाने से भी कुछ नहीं होगा। आपको यदि अंबेडकर या के प्रति श्रद्धा है, या ज्योतिबा फुले या ईवी रामास्वामी नायकर या एसएनडीपी कोई भी किसी के लिए भी श्रद्धा है, इफ यू डोंट फाइट विथ योर सो कॉल्ड मेंटेलिटी के साथ आप फाइट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर जाने दीजिए, फिर अंबेडकर खत्म हो चुके। अंबेडकर 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है ना। यदि उनको जिंदा रखना है तो यू हैव टू फाइट फॉर योर राइट एंड फॉर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, योर ओन आइडेंटिटी, यू हैव टू फाइट। You don't have to make a mass in the society. आपको समाज में ये नहीं करना है, उसका गलत मैसेज नहीं देना है, लेकिन पॉजिटिव मैनर में आपको अपना स्टैंड रखना है, लड़ना भी नहीं है। साथियों मैं बताऊं कि आपको लड़ने की भी आवश्यकता नहीं, आप नहीं नहीं सर, हाँ बहुत शांत तरीके से आपको बोलना कि बोलना चाहिए था कि सर बहुत सही कह रहे हैं सर, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ये पूरा कॉलेज जो है दलितों का हो जाएगा। बात सही कह रहे हैं सर, क्योंकि दलित जो है वो जान गए हैं कि उसका उनका भला किसमें है। दलित को मालूम हो गया है कि वो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए वो आ रहे हैं सर कम्पीट करके, ये बात है। और यदि सर इसको दलित होने से नहीं, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, यदि इस कॉलेज को दलित होने से बचाना है तो सवर्णों को पढ़ना पड़ेगा, उनके फाइट के लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। और यदि नहीं कर पा रहे तो सॉरी टू से भैया कॉलेज तो होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, ऐड करता हूँ, मैं पला बड़ा हूँ ना, मैं इसी का हूँ, लेकिन पला बड़ा हूँ एक ब्राह्मण के घर में। अच्छा अच्छा। और दूसरा मतलब दो एंगल है, एक तो हमको पला बड़ा क्या वो ब्राह्मण है, हायर कास्ट का है, और जहाँ मैं रिक्रूट हुआ हूँ वो भी हायर कास्ट का है, लेकिन उसका उसका देखने का तरीका नजरिया और इसका देखने का तरीका आकाश आसमान जमीन का फर्क है। जो आपने बोल रहा था कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, सही आदमी का क्रेडिबिलिटी होता है, एलिजिबिलिटी होता है, वो भी ब्राह्मण समुदाय के है, लेकिन वो मुझे पला बड़ा किया, इतना बड़ा किया कि मैं आज कॉलेज में हूँ। नहीं देखिए, मैं जो आपकी बात से सहमत हूँ, और आई एम ऑल्सो नॉट, आई एम बाय डिफॉल्ट आई एम नॉट ऑल्सो दलित, आई एम नॉट दलित, बट आई एम एडवोकेटिंग दलित फ्रॉम सिंस माई चाइल्डहुड, बिकॉज माई फ्रेंड्स वेयर ट्राइब्स एंड आई ऑलवेज प्ले विद देम एंड आई यूज टू ईट फूड इन देयर होम्स, ट्राइब्स गोंड्स एंड मुरियाज। तो जब से मुझे होश आया, जब से मैं समझना शुरू किया, मैं उन दोस्तों के साथ खड़ा रहता हूँ। सवाल ये है कि आप जो बात कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण के यहाँ पले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे सवर्ण एक जैसे, सारे ब्राह्मण से एक सब जैसे हैं, सारे उच्च जाति के जो तथाकथित सो कॉल्ड जो हायर कास्ट के उनके लोग ऐसे नहीं है, सबका ओरिएंटेशन वैसा नहीं है। उनमें कुछ लोग जो हैं आज भी यहाँ से अभी भी माइंड से काम करते हैं, उनका पूरा प्लान के साथ चलते हैं, वो लोग ऐसा कर रहे हैं, तो हमको उस चीज को समझना है। और आपको एक भी बताऊं कि मैं गांधी, चूंकि गांधी थॉट पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं, तो आप लोगों को एक बहुत मजेदार बताऊं कि आप सवर्ण जाति से या ब्राह्मण से नफरत मत करिए, यदि आप नफरत करेंगे तो समझ लीजिए कि मामला वहां पे नहीं बन रहा है। यही डायमेंशन की बात करने के लिए मैं आज, जो बेद्रे सर ने कल मुझे शाम को फोन किया कि पंकज यू हैव टू डिलीवर अ लेक्चर टुमारो, तो जब मुझे बताया तो मैं, उन्होंने बोला कि योर टॉपिक विल बी नॉट दलित स्टडी, डायमेंशन ऑफ दलित स्टडी, तो मैंने आपको ये बताने के लिए बताया हूं कि समाज में दलित जो अस्मिता है, हम अपनी अस्मिता के लिए लड़ाई लड़े। जैसे मैं बोलता हूँ कि महिलाओं को अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हस्बैंड को मारे डाले या बाप के साथ लड़ी लें या अपने भाई को एकदम ये कर दें, ये नहीं है, दैट इज नॉट द राइट वे। समाज में हारमोनी बना के हमको अपनी बात को बनाए रखना है, हमको फाइट करना है अपने स्ट्रेंथ पे। हाँ इंपॉर्टेंट है, देखिए अंबेडकर ने किसी से लड़ाई नहीं लड़ी कि तलवार लेके नहीं निकले थे, या ज्योतिबा फुले तलवार लेके नहीं निकले थे, उन्होंने अपनी कलम से लिखी बात, अपने दिमाग से अपनी बात को पहुंचाई। और आपको बहुत मजेदार बताऊं कि ज्योतिबा फुले के आगे बढ़ने में उनके 2 से 3 ब्राह्मण दोस्तों का हाथ था। मेरे महाराष्ट्र के साथी बैठे हुए वो सही बता पाएंगे, मेरा कम नॉलेज है, लेकिन मेरे वो सही बताएंगे, उनके कुछ ब्राह्मण फ्रेंड्स थे जो उनको हेल्प कर रहे थे, पैसे से भी हेल्प कर रहे थे और उनके स्कूल चलाने में भी मदद कर रहे थे, ब्राह्मण दोस्त थे। तो ऐसा है कि सारे लोग एक समान नहीं है, जैसे हमारी 5 उंगलियां एक समान नहीं है, हम परिवार में 5 लोग एक समान नहीं है, वैसे समाज में भी वैसा ही है, समाज में हर आदमी एक समान नहीं है, तो हमको इसको समझना पड़ेगा।
तो दलित, अभी मैं जैसे जब दलित स्टडीज की किताबें पढ़ता था तो बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी, तो उसमें सिर्फ किताब में जो आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा आएगा, उस पढ़ने से आपके अंदर एक फीलिंग ये आएगी कि हमको एकदम इनसे रिवोल्ट करना है, बदला लेना है। हमको बदला नहीं लेना है, हमको ये बात समझाना है उस सवर्ण को कि भाई जैसे तुम हो वैसा मैं भी हूं, और कुछ सिचुएशन के कारण, कुछ कंडीशन के कारण जो हिस्ट्री में जो हुआ उसके कारण मेरी स्थिति आज ये है, लेकिन ये स्थिति बदल जाए, बदल रही है। आज हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी जो है एक दलित है, उसके पहले हमारे एक साउथ के साथी थे जो आर वेंकट रमन, शायद आप लोग बताइएगा, सही करेक्ट कीजिएगा, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। तो एक और इसके पहले जो राष्ट्रपति हुए वो भी दलित थे, तो ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। हाँ एक चीज रह गया, प्रधानमंत्री अभी तक दलित नहीं बना है, प्रधानमंत्री अभी तक दलित नहीं बना है, तो ये आप लोग कर सकते हैं, चुनाव आपके पास रहेगा, आप अगली बार 2024 में आप कहिए कि भैया हमको दूसरा नया आदमी चाहिए, हमको दलित चेहरा चाहिए। कोई पार्टी नहीं बोलती कि हम दलित चेहरा खड़ा करेंगे प्रधानमंत्री के लिए, कोई नहीं कहती, क्योंकि उसके लिए साहस चाहिए, उसके लिए बहुत साहस चाहिए, और ये जल्दी से आसानी से होगा नहीं। तो मेरा ये कहना है कि और सिर्फ एक प्रधानमंत्री एक राष्ट्रपति बनने से भी नहीं बदलाव आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। बदलाव हमको अपने घर के आसपास से शुरू करना पड़ेगा, जैसे जब हम आसपास में बदलाव करेंगे तो समाज में बदलाव आएगा, समाज में बदलाव आएगा तो शायद आपके राज्य में बदलाव आएगा, ऐसे करते हैं। आज देखिए महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से जो महार जाति के जो लोग हैं, जिससे अंबेडकर बिलोंग करते थे, पावरफुल कास्ट ऑफ महाराष्ट्र, मोस्ट पावरफुल कास्ट ऑफ महाराष्ट्र। मैं एम एस माइकल की किताब है भारत में दलित, तो वो दलित इन इंडिया, तो उसको मैं पढ़ रहा था, तो उसमें मैं देख पा रहा था कि वो बता रहे थे कि महार जो है सबसे ज्यादा पावरफुल, जैसे कि यूपी में सबसे ज्यादा यदि दलित जातियों में कोई पावरफुल है, दैट इज देवर चमार्स, तो वो जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि कांसीराम का जो जाति था और मायावती की जो जाति है वो है, और उस जाति में बहुत ज्यादा आया। और मैं ट्राइब्स में बात करूं तो भारत में सबसे ज्यादा इम्पावर्ड ट्राइब्स हैं तो मीणा है, मीणा ट्राइब जो है राजस्थान की, सबसे भारत के मतलब भारत में सबसे ज्यादा इसके आईएएस ऑफिसर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, और दे आर और मतलब गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में यदि मैं बात करूं तो उरांव ट्राइब है, वो उरांव ट्राइब सबसे ज्यादा पावरफुल है, या इकोनॉमिक रूप से भी, या गवर्नमेंट जॉब की दृष्टि से देखें, इस प्रकार से आप देख पाते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर कास्ट जो है वो अपना आइडेंटिटी बना पाया, वो उस चीज को आगे बढ़ा पाया, इस लेगेसी को ले गए। तो हमको यदि हम अपने बदलाव को अपने आसपास से शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि वो चीज ज्यादा बेहतर हो पाएगी। दूसरा, भारत में मैं चूंकि हिस्ट्री का आदमी हूं तो इस पर बहुत किताबें लिखी गई। पहली बार किसी विदेशी ने किताब लिखी थी, एसे ऑन हिंदू कास्ट, रेवरेंट बोअर ने लिखा था 1851 में, रेवरेंट बोअर ने एसे इन हिंदू कास्ट। मैं साथियों क्या हुआ, कल से हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम थी मेरे घर पे, तो कल रात को बैठा था आप लोगों के लिए पावर पॉइंट और स्लाइड बनाने के लिए, 7-8 स्लाइड बना, उसके बाद लाइट चली गई तो मेरा काम नहीं हो पाया, इसलिए मैं आज पावर पॉइंट के साथ नहीं हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैंने पूरा हिस्टोरियोग्राफी पे मैं रखा था 8-10 स्लाइड कि इस पे कैसा लिखा गया। जॉन विल्सन हुए, ये सब लोग वो लोग हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में ऑफिसर्स थे, इन लोगों ने इतिहास जो और यहाँ का जो कंडीशन देखा उसके आधार पे किताब लिखी, इंडियन कास्ट 1875 में, और ऐसे अन हिंदू कास्ट लिखा रेवरेंट बोअर ने। इन दो किताबों में उन्होंने भारत की जाति प्रथा के और उन लोगों ने बहुत डिटेल में जाके इस चीज को लिखा और उसको समझाने का प्रयास किया। और इस प्रकार से मेरे पास जो लिस्ट है उसमें लगभग मोर देन 40 बुक्स हैं जो कि जो उस समय के ऑफिसर्स ने लिखा। इसके अलावा इसमें एक बहुत फेमस बुक है ये अंबेडकर की, बीआर अंबेडकर की, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये किताब बहुत जबरदस्त है, और मतलब जाति प्रथा की समाप्ति को लेके है। और आपको एक चीज और बताऊं कि बुक का नाम बोलिए सर, अंबेडकर का बुक का नाम एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन दूसरा है जॉन विल्सन ने लिखा है इंडियन कास्ट,
और इसके अलावा एक दो किताब जो अच्छा है, और एक है एन के दत्ता, ये बंगाली बाबू है, एन के दत्ता, इन्होंने लिखा है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ कास्ट इन इंडिया 1931 में, एन के दत्ता 1931 में। थैंक यू सर। हाँ, एक किताब और मैं बताऊंगा आपको, भीमराव अंबेडकर का है, द सुद्रास हु वेयर दे, द सुद्रास डैश हु वेयर दे, हु दे वेयर, सॉरी हु दे वेयर एंड दे केम टू बी फोर्थ वर्ण ऑफ द इंडो आर्यन सोसाइटी। मैं साथियों एक काम करूंगा, मेरे पास जो लिस्ट होगी मैं उसको बाद में देखूंगा, क्योंकि मैं आपके साथ अभी एक महीने पर हूं, तो मैं इसको शेयर कर दूंगा, इसमें टाइम नहीं है करता। ओके सर। हाँ जी, तो मैं कभी आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारी किताबें लिखी गई और बातें की गई, और इसमें एक आस्पेक्ट आप लोगों से जो कहना चाह रहा था, अंबेडकर जी के बारे में बात कर रहा था, और खास करके मेरे जो महाराष्ट्र के साथी हैं, बंगाल के साथी हैं, उन लोगों को अंबेडकर जी से सीखना चाहिए कि अंबेडकर जी हिंदी भी बोल पाते थे, अंग्रेजी में बहुत अच्छा कमांड था, उनकी 38 से ज्यादा किताबें हैं अंबेडकर की, है ना। तीसरा लैंग्वेज उन्होंने सीखा, दैट वॉज संस्कृत, माई डियर फ्रेंड्स, संस्कृत सीखा उन्होंने, संस्कृत के एक हमारे साथी हैं इसमें बंगाल से, तो मैं बताऊंगा कि वो संस्कृत भी सीखें। किस लिए सीखा? क्योंकि यदि आपको किसी के कॉन्स्पिरेसी को समझना है, किसी के षड्यंत्र को समझना है, तो आपको उसके लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ बैठ के बंगला में के बारे में कुछ भी बोलूँ तो नहीं होगा, मुझे बंगला सीखना पड़ेगा, बंगला लिखना पड़ेगा, बंगला बोलना पड़ेगा, जाके हो पाएगा, क्योंकि मैं तभी उसके कल्चर को। आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूँ, वेरियर एल्विन का नाम सुना होगा, एंथ्रोपोलॉजी के हैं कोई साथी इसमें हमारे, एंथ्रोपोलॉजी के कोई साथी हैं हमारे साथ इसमें? नहीं है, एंथ्रोपोलॉजी के नहीं है। तो एंथ्रोपोलॉजी के में वेरियर एल्विन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वेरियर एल्विन। हाँ सर, मैंने, मेरा काम भी अभी नॉर्थ ईस्ट इंडियन ट्राइबल पीपल के ऊपर हो रहा है। अच्छा। और खासली अरुणाचल प्रदेश, असम एंड उस रीजन का, वो तो मेरे पास अवेलेबल है वेरियर एल्विन का बुक में। हाँ, तो वेरियर एल्विन जो है एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, और 1946 में की बात है जो उनकी किताब पब्लिश हुई, लेकिन उसके बहुत पहले 10 साल पहले 1936 के अराउंड भारत आए। भारत आने के बाद वो अबूझमाड़, जो एक एरिया है जहाँ पे आप भी नहीं जा सकते, मतलब अबूझमाड़ बस्तर में एक ट्राइबल एरिया है जहाँ पे माड़ियाज रहते हैं, तो वो वहाँ स्टडी करने के लिए गए ऐसे जगह पे जहाँ पे कि आज भी हम लोगों को नॉर्मल सिटीजन को जाने के लिए वहाँ के कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ता है, तो वो वहां जाके, हाँ तो वो जाके परमिट लगता है सर, हाँ वहां जाके पढ़ना, पढ़ाई वहां पे जाके उन्होंने अध्ययन किया, और उनके लैंग्वेज को समझने के लिए देखिए उनके साथ उन्होंने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड के लिए, उन्होंने जो रिसर्च मेथोलॉजी में एक होता है डायरेक्ट पार्टिसिपेंट होता है, एक इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट, ऑब्जर्वेशन मेथड होता है उसमें, एक होता है डायरेक्ट पार्टिसिपेंट, एक होता है इनडायरेक्ट पार्टिसिपेंट। डायरेक्ट पार्टिसिपेंट के तहर पे वो उस समाज में रहे, और समाज में चूंकि ट्राइब्स जो है कंजर्वेटिव थे अपने विचारों को लेके, तो वो उनको कैसे एक्सेप्ट करते, तो उन्होंने उनकी बेटी से शादी किया, एक ट्राइबल गर्ल से शादी किया, 17 साल की लड़की थी, और उस लड़की से उस समय शादी किया उन्होंने, और उसके शादी करने के बाद उनके लैंग्वेज को सीखा, लैंग्वेज को सीखने के बाद फिर उन्होंने द गोंड्स, द मुरियाज, द माड़ियाज, द बैगाज, ये सब अलग अलग किताब का नाम है, द गोंड्स एक किताब है, द मुरियाज अलग है, मुरियाज एंड देयर घोटुल, ऐसे करके उन्होंने कम से कम 7-8 किताबें निकाली 1946 में, और आज तक एंथ्रोपोलॉजी में कॉपी पेस्ट का काम कर रहे हैं हमारे साथी, चाहे कोई भी विश्वविद्यालय के लोग हो, द ओरिजिनल वर्क इज फ्रॉम वेरियर एल्विन, आप समझिए इसको। तो मेरा ये कहना है कि आपको पढ़ने के लिए आपको लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, जैसा साथियों मैं आप लोगों के सामने बंगला बोल लेता हूं, ऐसा मैं बुंदेलखंडी भी बोल रहा हूं, ऐसा मैं छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ी बोल लेता हूं, बिहार और यूपी में जाता हूं तो भोजपुरी बोल लेता हूं। आपको सुनिए, मेरी बात समझिए, मैं आपको ये कह रहा हूं कि इतिहास को जानना है, यदि आपको अपनी एकेडमिक आइडेंटिटी पैन इंडिया बनानी है तो आपको काम करना पड़ेगा, तो लैंग्वेज पे भी काम करना पड़ेगा, ठीक है, लैंग्वेज पे काम जरूर करिए, लैंग्वेज सीखना चाहिए, हम सभी को सीखना चाहिए, ठीक है। हाँ अर्पण जी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, ये जो वेरियर एल्विन के जो बॉय है ना, वो बंगाली में भी अनुवाद हुआ है, अभी ट्रांसलेशन हुआ है उनका, मैंने पढ़ा हुआ है अभी। चलिए बहुत, तो
साथियों ये जो बात है, मैं जो बात कर रहा था अंबेडकर के साथ, तो अंबेडकर ने उस डायमेंशन को चेंज किया. उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो आप अपने राइट को पहचानो, आप अपने अधिकार को पहचानो, और दूसरा जो है आप पहले तो ये जो शिक्षित बनने की बात है, एडुकेट बनने की बात है, ज्योतिबा फुले ने की थी कि शिक्षित हो गए तो आप लोगों को सब कुछ मिलेगा, विद्या ज्ञान बहुत सारी उन्होंने बात की. उसमें बाद में बोला कि शिक्षा नहीं है तो आपका सब कुछ व्यर्थ हो गया. शिक्षा नहीं है तो आपका सब कुछ, और हकीकत भी यही है कि जो जो हमारा जो फोर्थ कैटेगरी ऑफ जो कास्ट था उसको शिक्षा से दूर रखा गया, एक बड़ा था. लेकिन जब ज्योतिबा फुले ने इस बात को की उसके बाद फिर जो बदलाव आया तो हम देख पाते हैं कि समाज में वो पॉजिटिव था. लेकिन उसका अगला स्टेप जो बात की अम्बेडकर ने वो थी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात की, और उसी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को लेके उन्होंने काम किया और उसका हम बदलाव देख पा रहे हैं. ऐसा नहीं है कि 70-72 सालों में बदलाव नहीं हुआ, बहुत बदलाव हुआ है. मैं आंकड़े उठा के बता सकता हूं कि 47 में कितने परसेंट लोग एससी के जॉब में थे और आज उठा के देखिए कितने लोग हैं. यदि एजुकेशन का लेवल देखें तो उनका बदलाव बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है इन 70-72 सालों में. तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला. लेकिन एक दुर्भाग्य और है कि रिजर्वेशन का फायदा मिला है लेकिन उसमें एक समस्या ये आई कि रिजर्वेशन का फायदा अब एक ही पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति के परिवार को मिलते जा रहा है. उसका दुर्भाग्य क्या हो रहा है, उसी का भाई जो गांव में रह गया, जो पिछड़ गया, जो पढ़ने में कमजोर था, उसके जो संतानें हैं फिर वो कम्पीट नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि इसका आर्थिक लेवल ऊंचा हो गया लेकिन जो गांव में जो दलित है भाई वो जो है वो सरकारी स्कूल से पढ़ रहा है, इसका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है. फिर दोनों आके बराबर में आए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो ये फाइट करके निकल जा रहा है. तो ये वाला दलित यहीं रह जाता है, यानी एक दलित दूसरे दलित को दबा दे रहा है. तो अब दलितों के बीच में भी एलिट क्लास हो गया. वो एलिट क्लास जो है दूसरे क्लास को फिर एक प्रकार से उसके अधिकारों को हैम्पर कर, ये इस चीज को हम लोग को समझना पड़ेगा. आज भी ये बड़ा बड़ा सवाल है. आज बहुत लोग इसको बात करते हैं तो कहते हैं, मैं कई जगह पे बात करता हूं तो कुछ लोग कहते हैं कि अरे आप तो अलग मानसिकता से बात कर रहे हैं. मैं तो मैं उनसे कहता हूं कि मेरी मानसिकता एकदम क्लियर है. मैं बताना ये चाहता हूं कि हमको उन दलित भाइयों को भी स्पेस देना होगा जिन तक हम एजुकेशन नहीं पहुंचा पाए हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, और मुझे लगता है कि हमको वो स्पेस हम ही दे सकते हैं. अपने दलित भाइयों को उठाने का काम भी हमको आगे बढ़ के करना पड़ेगा. हम में से क्या हो रहा है कि हम दलित, हम यदि हम आगे बढ़ गए तो हमने अपने गांव को छोड़ दिया, अपने भाइयों को छोड़ दिया, हमने अपनी एक अच्छी खासी जिंदगी शहर में, और हम अपनी आइडेंटिटी छिपा रहे हैं. ये भी एक मतलब मुझे लगता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए. हमको अपनी आइडेंटिटी छिपाने की आवश्यकता क्या है? ठीक है, मेरा नाम, मैं फलाना दलित हूं तो मुझे अपनी आइडेंटिटी छिपाने की आवश्यकता क्या है? मैं इसी आइडेंटिटी के साथ आपके साथ फाइट करूंगा पूरे लाइफ में, पूरे वर्ल्ड में. मुझे अपने टाइटल को चेंज करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने नाम को बदलने की आवश्यकता नहीं. मेरी जो आइडेंटिटी है, यदि मैं दलित हूं बाय कास्ट बाय बर्थ तो मैं हूं, लेकिन मैं फाइट कर रहा हूं आप सभी से. मतलब फाइट करना यानी कि मैं कंपीट कर रहा हूं यदि आपसे तो बराबरी में कर रहा हूं, इसको छिपाने की भी आवश्यकता नहीं. तो इस तरीके से भी दलित स्टडीज को पढ़ने की आवश्यकता है. नंबर दूसरा जो मैं कह रहा हूं कि हमको अपने ही दलित भाइयों को स्पेस देने की जरूरत है. हमको खुद रिफॉर्म करने पड़ेंगे, हमको खुद ऐसे प्लेटफॉर्म बनाने पड़ेंगे कि हम उन लोगों के लिए काम करें. हम लोगों को ये नया काम करना पड़ेगा, ये चीज बहुत जरूरी है. जब तक हम ये नहीं करेंगे, सिर्फ अंबेडकर की मूर्ति लगा के, अंबेडकर पे माला पहना के, और उस पे क्या कह सकते हैं लेक्चर सीरीज करके हम बदलाव नहीं ला सकते. लेक्चर सीरीज सिर्फ सुन के नोट करके हम भूल जाते हैं. समाज में बदलाव लाने के लिए मैंने उस दिन भी कहा था हम सबको अंबेडकर बनना पड़ेगा, हम सबको अंबेडकर बनना पड़ेगा. मैंने उस दिन कहा था गांधी बनने की बात, तो मैं वही कहता हूं कि हर व्यक्ति हर जगह पे महत्वपूर्ण है, और वहां पे समाज में बदलाव लाना है तो हमको फिर से ज्योतिबा फुले, हमको अंबेडकर या साहूजी महाराज जैसा एडमिनिस्ट्रेटर बनना पड़ेगा. जब तक हम ऐसा नहीं बन पाएंगे साथियों, तो मैं आई एम सॉरी टू से कि हर साल हम 14 अप्रैल और 6 दिसंबर को हम उनकी जयंती और पुण्यतिथि मनाएंगे और बड़े बड़े भाषण देंगे, रैली निकालेंगे. इससे कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा. आपको अंतिम आदमी तक काम करना पड़ेगा. अंबेडकर का ये ख्वाब नहीं था कि कुछ हमारे 20-25% लोगों को जॉब मिल जाए, या और वो जॉब तक सोच ही नहीं रहते. हम और आप जितना छोटा सोच रहे हैं अंबेडकर उतना सोच ही नहीं रहते. अंबेडकर उससे बहुत आगे सोच रहे थे. वो कह रहे थे कि जब तक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं आएगा. आपको एक मजे की बात देखिए कि उत्तर प्रदेश में मायावती जो मुख्यमंत्री बनी, तो ये अपने आप में बड़ा गौरव की बात थी कि दलितों के लिए एक बहुत ये बात थी कि जब 90s में मायावती बनी. काशीराम जो है एक इंजीनियर थे और अपना जॉब छोड़ के बामसेफ की नियुक्ति की बनाए, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रहा हूँ.
लेकिन और कांसीराम सही मायनों में अंबेडकर के बाद यदि मैं कहूं कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई काम करने वाला बंदा था तो कांसीराम थे। कांसीराम ने पंजाब से निकल के उत्तर प्रदेश तक आए और उत्तर प्रदेश आने के बाद और दिल्ली और सब पूरा मतलब पूरे भारत में साइकिल यात्रा की, पैदल यात्रा की और जमीनी लड़ाई लड़ने का काम कांसीराम ने किया। और उन्होंने मायावती को एक चेहरे के रूप में लॉन्च किया और मायावती ने अपने तरीके से एक कह सकते हैं एक ट्रू लीडरशिप दिखाई। लेकिन उनकी उनकी राजनीति की जो लिमिटेशंस रही, उनकी राजनीति की जो लिमिटेशन ये रही कि फिर वो शो कॉल्ड, देखिए होता क्या है पॉलिटिक्स इतनी खराब चीज है, उसमें जाने के बाद फिर आप सिर्फ सत्ता की सोचने लगते हैं। आज मैं कहूं कि यदि मायावती ये सोचती कि सिर्फ मुझे दलितों के साथ उनको लेके चलना है और उनको उनका अपलिफ्टमेंट करना है तो वो शायद उनका अलग ही होता। फिर बाद में उन्होंने कई समीकरण बनाए, उस समीकरण के कारण चीजें बदल गई। तो मैं और आज वो देखिए आज हाशिए पे पहुंच गई, हो सकता है कल फिर से वो रिवाइव कर जाए। लेकिन सवाल ये है कि हमको अपनी मूल जो जिस चीज के लिए हम पॉलिटिकल आइडेंटिटी हम बना कर रखे हुए, और महाराष्ट्र में दलित पैंथर एक पार्टी बनी, उसके पहले एक और पार्टी थी, ध्यान से मुझे अभी दम से उतर रहा है, हाँ जी सर, जी सर बोलिए, हाँ अंबेडकरवादी पार्टी बनी और अभी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, हाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जिसमें अभी रामदास अठावले हैं। अब हम लोग क्या हो गया, इनके साथ समस्या आ गई, ये सत्ता के साथ आ गए। जब सत्ता के साथ आप जुड़ जाते हैं तो फिर आपकी समस्या क्या हो जाती है कि आप सत्ता के हिसाब से बात करते हैं, फिर आप वो दलितों की बात किनारे हो जाती है, साइड हो जाती है। तो मेरा ये कहना है, बीच में ऐसे ही आपके बहुत सारे नेता ऐसे हुए जो इंदिरा गांधी के समय में, खास करके जो यूपी और महाराष्ट्र में जो पार्टियां बनी वो कांग्रेस के साथ मर्ज हो गई, उनके लीडर्स जो थे कांग्रेस के साथ सत्ता में आ गए और कांग्रेस के साथ मर्ज हो गई। तो सवाल, और हमेशा से सत्ता प्रयास करती है, चाहे आज बीजेपी हो चाहे कल कांग्रेस थी, तो हमेशा से प्रयास करती है कोई भी दलित पार्टी यदि आ रही है तो उसको उसकी उसको इस प्रकार से कर देना है कि वो उन पर डिपेंडेंट हो जाए और वो सत्ता में आ जाए। और सत्ता में आने के बाद फिर लगता है कि यार यार मुझे, मेरे पास तो गाड़ी बंगला मेरा हो गया तो मैं बाकी भाइयों को छोड़ दूं, फिर मेरी मेरी लड़ाई नहीं रह जाती। आज आप देखिए देश में जो भी हो रहा है, जो जितनी भी समस्या आ रही, कोई बड़ा लीडर मुझे नहीं लगता कि खड़ा होकर अपोज करे हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सत्ता का विरोध करना गलत है, सत्ता की नीतियों का विरोध करना गलत नहीं है। यदि आपकी पॉलिसी अच्छी नहीं है तो आपको करना चाहिए, मुझे लगता है ये करना चाहिए। और इसको यदि हम हेल्दी मैनर में, यदि एक कंपटीटिव मैनर में हम समझने का प्रयास करें तो इसको समझ सकते हैं। तो देश की आजादी के बाद आज पूरे भारत में आप देखिए तो मुझे लगता है कि दलित विमर्श को लेके किताबें खूब लिखी गई, खूब किताबें लिखी गई, हजारों किताबें लिखी गई, अंबेडकर पे बहुत रिसर्च हुए। मैं बता सकता हूँ हर विश्वविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय से लेके हर विश्वविद्यालय में हजारों थीसिस अंबेडकर के ऊपर है, ज्योतिबा फुले के ऊपर में बहुत सारी थीसिस है। लेकिन सवाल यह है कि उसका आउटकम क्या है, व्हाट इज द आउटकम ऑफ द थीसिस। मेरी बात हमेशा प्रैक्टिकलिटी पे होती है, व्यवहारिकता पे है। आप गांधी पे 50 किताबें लिख दीजिए, अंबेडकर पे 1000 किताब लिख दीजिए, लेकिन उस किताब का मतलब क्या है कि वो सिर्फ लाइब्रेरी में ढेर बन के बन जाए। और आप बताइए कि आप अपनी थीसिस को आप भी तभी देखते हैं जब कभी उसको प्रेजेंट कहीं पे लेके जाना है, उसके अलावा आपकी थीसिस एक अलमारी में बंद हो जाती। तो सवाल ये है कि कि आपको इस चीज को समझना होगा कि क्या सिर्फ हमको उनपे किताबें लिख देने से, शोध पत्र लिख देने से काम हो जाएगा, नहीं, हमको ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा। और बीइंग ए टीचर, आप सभी जैसे अलग अलग क्षेत्र से हैं, कोई बंगाल से है, महाराष्ट्र से है, यूपी से है, कुछ साथी हमारे आंध्रा से हैं, तेलंगाना से हैं, कर्नाटक से हैं, केरला से भी हैं शायद। तो ये सब सभी साथियों से मेरा एक ही बात है कि यदि हम उन सारे महान लोगों का, मैं मतलब इनको मैं थोड़ा सा इसको जनरलाइज करूं तो मैं कहूं कि यदि हम किसी एक के को आस्पेक्ट को लेते, चाहे गांधी के आस्पेक्ट को लें, चाहे अंबेडकर के, ज्योतिबा के, चाहे किसी भी आस्पेक्ट को लेते हैं, जब तक वो फ्रूटफुल नहीं होगा, जब तक कि हम उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लेके जाएंगे, पब्लिक डोमेन में लेके जाने की आवश्यकता है और इस प्रकार से उस पर बात करने की आवश्यकता है। हमें अपने बच्चों को बताने की आवश्यकता है, जैसे अभी सर अभी हमारे जो दो साथी उन्होंने कहा कि उनके कॉलेज में इस प्रकार से हुआ, तो हमको वहां पर जवाब देने की आवश्यकता है। और हमारे जो दलित बच्चे हैं जो इस कॉलेजेस में आ रहे हैं, मेरे यहाँ 120 बच्चे हैं, उसमें से करीबन 60 बच्चे दलित बच्चे होते हैं। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं साथियों कि वो दलित बच्चों में से हर बार कोई ना कोई बच्चा टॉप कर जा रहा है, सिर्फ उसको थोड़ा सा पुश करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा उसको पीछे बैक करने की आवश्यकता है।
और ये कौन करेगा? मैं और आप करेंगे। और मैं आपको कह दूं कि मैं, यदि आप लोग अभी जो कह रहे थे जाति की बात, मैं सवर्ण जाति से हूं, लेकिन मेरे जो पिछले 5 सालों में 5 से 7 जो बच्चे आए हैं वो दलित बच्चे टॉप किए हैं मेरे डिपार्टमेंट, यूजी में, पीजी में। ये अपने आप में एक उपलब्धि है हमारे लिए, इसलिए है, मैं उसको अपनी उपलब्धि इसलिए मानता हूं। क्यों? क्योंकि हमको उनके लेवल पे जाके काम करने की आवश्यकता है, उनको पैम्पर करने की जरूरत है, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है, तब जाके मैं मानता हूं कि दलित स्टडीज पे बात करना या उस पर लेक्चर देना मेरा सार्थक होगा या हम सबका सार्थक होगा। तो इसको मैं मुझे लगता है 3:30 बज गया है, तो थोड़ा सा ओपन कर दूं आप सभी के लिए। आप में से कुछ बात करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सर। जी जी तो सर थोड़ा ट्राई कर सकते हैं। सुमंत बोल, सुमंत सुमंत सर का। हाँ हाँ जी जी हाँ सर, बोल रहा हूँ जो रिजर्वेशन है नकरी के लिए, जो रिजर्वेशन जो किया है जो पॉलिसी मेकर से, वही तो वही तक तो शुरू होता है ना ये जो डिविजन। क्या सोचते हैं इस बारे में सर आप? क्या फिर से एक बार फिर से बोलिए सर, जो रिजर्वेशन है जो नकरी में, जो नकरी में जो रिजर्वेशन रहता है ना, तो जो पॉलिसी मेकर ही तो ये सब किया हुआ है, तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? यही से शुरू होता है ना जो हमारा जो ऊंच नीच भेदाभेद जो होता है सोसाइटी में तो है, लेकिन पॉलिसी मेकर्स जो है उधर जो नेता बैठे हुए है, अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो शायद अच्छा होता ना सर? क्या नहीं नहीं, नहीं, नहीं मैं सुमंत जी मैं जो आपने ध्यान से सुना होगा तो मैं आपको बता दूं कि रिजर्वेशन जरूरी था, और इसलिए जरूरी था क्योंकि यदि आप रिजर्वेशन नहीं देते तो वो लोग नहीं आ पाते। आपको मैं बहुत क्लियर कट बता रहा हूं कि आज समाज में आपको जहां दिखाई दे रहे हैं जो लोग, वो अभी जितने परसेंटेज में दिखाई दे रहे हैं वो भी नहीं दिखाई देते। तो मेरा ये कहना है, देखिए मेरा ये कहना है एक मिनट सुन लीजिए। अकॉर्डिंग टू मेरिट अगर होता, अगर उनको ग्राउंड लेवल से सभी कुछ उनको मिल जाता, और अगर अकॉर्डिंग टू मेरिट होता तो वो अच्छा होता ना। ठीक है, मैं आपकी बात है, ये देखिए ये इस पे बहुत डिबेट हो सकता है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि रिजर्वेशन जो दिया गया है वो ग्राउंड लेवल पे सभी को समान मिलना चाहिए, या पढ़ाई हो या सब कुछ हो, सब समान मिलना चाहिए। अब मैं एक बहुत, मैं इसमें बहुत आप लोगों से एक मिनट चाहती हूं। आफ्टर दैट सब कुछ समान होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मेरिट होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये लगता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, आई डोंट नो अदर्स व्यू, बट दिस इज माय पर्सनल व्यू एंड आई एम शेयरिंग विद यू। सर कैन आई शेयर वन व्यू? हेलो सर, सर कैन आई शेयर वन व्यू? हां हां, मैं आंसर शुभदीप सर। नहीं, मैं आपको मैं दे रहा हूं इसका जवाब, मैं दे रहा हूं। ओके जी, बोलिए बोलिए। हां संदीप जी कोई बोल रहे थे सर, आई थिंक दैट हेलो कैन यू हियर मी सर? हां हां बोलिए सर। आई थिंक दैट रिजर्वेशन वाज नेसेसरी, हां, बिकॉज़ देयर ग्राउंड बेस वाज वेरी, दे वर वेरी डिप्रेस्ड, रिजर्वेशन वाज नेसेसरी, बट रिजर्वेशन शुड बी गिवन ओनली टू द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स। एक मिनट मैं कुछ इसका जवाब दे दूं सौमिक जी, एक मिनट जवाब दे। हाँ रेडी सर। सर 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 वन सर सपोज बेस्ड ऑन द रिजर्वेशन आई बिकेम ए डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर एग्जांपल। Okay. Now my family has been established very well. Again, yeah. My children has been in the same line of receiving the reservation. Means actually, those who are poor people, they may lose. That's why it should be in a systematic manner. It should be implemented.
it should keep on, it should not be like keep on continuing that family receiving the reservation is not good. I think that's my personal opinion. Okay. So, one opinion, until and unless caste system is abolished, I think there should be reservation. मेरा एक सबमिशन है, सुन लीजिए. दिस इज हम्बल सबमिशन एंड आई नो कि वेरियस पीपल हैव वेरियस व्यूज एंड आई एग्री विथ रेड्डी सर एंड गांगुली जी. आपका विचार बहुत मतलब ठीक है, प्रोग्रेसिव, दैट इज प्रोग्रेसिव थॉट. बट द थिंग इज दैट मैं आपको एक बहुत बहुत प्रैक्टिकल बात बोलने वाला, चूंकि मेरी माई लाइफ मैं जो आदमी हूँ, जमीनी आदमी हूँ और जमीन की बात करता हूँ. तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाह रहा हूँ कि साथियों, आप लोग हम लोग अभी बहुत बात कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में और रिजर्वेशन के बारे में. एंड आफ्टर 20 years, 2040, वी आर इन 2020, आफ्टर 2040 years देयर विल बी नो गवर्नमेंट जॉब. आई एम अश्योरिंग यू ऑन स्टाम्प पेपर that there will be no government job in India because the whole thing will be privatized. Remember this, the government policies are going to that direction. You will listen a lot of lectures on MOOCs and whatever the course may be, and the education system will be a whole education system will be online. Harumandal ji please mute. तो द थिंग इज दैट कि इफ वाई 72 years तो हो गया, 72 साल हो चुका है अब, और 20 साल है. गवर्नमेंट उस दिशा में काम कर रही है, मैं आपको बता रहा हूं. आप लोग इस चीज को समझिए कि धीरे धीरे, आज ही मैंने पढ़ा है कि अडानी के पास पूरा एयरपोर्ट जा रहे हैं और टेलीकम्युनिकेशन पूरा पूरा चला गया. BSNL बिकने के कगार पे है. रेलवे का 20-30% जा रहा है. धीरे धीरे रेलवे भी खत्म हो, रेलवे विल बी प्राइवेटाइज, आइदर अंबानी, आइदर अडानी या टाटा या बिरला, वॉट एवर द कंपनी में भी दे, मतलब वो प्राइवेट हो जाएगा. देन वहां भी यदि मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिजर्वेशन लागू कर दिया, तो प्राइवेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सर्विस में कहीं भी परमानेंट वर्ड नहीं होता. देयर इज नो वर्ड सच लाइक दैट परमानेंट. इफ यू परफॉर्म यू विल वर्क, इफ यू विल नॉट परफॉर्म यू विल गो आउट. आइदर यू आर ब्राह्मीण, आइदर यू आर SC और ST, वॉट एवर योर कास्ट में भी. सो डोंट थिंक, अरे टाइम. अच्छा, मेरा एक बात यह है कि अभी जब एक साथी ने हम लोगों ने कहा कि जो उनके साथी कह रहे थे कि द कॉलेज विल बी द फॉर, अब SC का कॉलेज हो जाएगा, इन लोगों का कॉलेज हो जाएगा, दलितों का कॉलेज हो जाएगा, तो उनको जवाब यही है कि यदि आप फाइट करना छोड़ दोगे तो फिर वो कॉलेज तो हो जाएगा. और मैं साथियों आपको बता रहा हूं कि आज भी आप अपने टैलेंट पे, अपने मेहनत पे रहेंगे तो आप पूरे भारत में, आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बताऊं कि UPSC मात्र 1000 पोस्ट निकालता है, ओनली 1000 पोस्ट, ठीक है, और वो भी इस गवर्नमेंट में आने के बाद नाउ रिड्यूस्ड इट टू अबाउट 800 पोस्ट. लास्ट ईयर इट वाज 824 और 810 एंड इट विल बी रिड्यूस्ड आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर. ओके, तो वेयर Where is reservation exist? धीरे 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 ये खत्म होने वाला है. और सुनिए गवर्नमेंट जो वन नेशन वन 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 एग्जामिनेशन वन नेशन को बोलने दीजिए, ये जो लैंग्वेज जिस प्रकार से हम लोग जिस तरफ जा रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? मैं तो बहुत पहले समझ गया था जब हमने GATT में समझौता किया था 1995 में, तो मैं इस चीज को समझता हूँ. तो आप लोगों से भी ये कह रहा हूँ, मतलब बहुत हमारे, हम तो डेली आप मतलब देखते हैं बहुत सारे स्पीकर्स आते हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसीज को बैक करते हैं कि NEP इज वेरी गुड एंड फलाना एंड ये, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज को बैक करना उनकी मजबूरी है क्योंकि दे आर गेटिंग करेक्ट करेक्ट सर, है ना. बट मेरा, मुझे ऐसा कोई फियर नहीं, बीइंग ए गांधीयन. यदि बेदरे सर कल बोलेंगे पंकज कल से बंद, नॉट यू डोंट हैव टू कम टू आवर HRDC, आई विल नॉट कम, है ना. तो दैट इज, तो मैं गवर्नमेंट के पॉलिसीज के खिलाफ बोलने के लिए मेरे को अंबेडकर जी ने राइट दिया है, तो थैंक्स टू डॉक्टर BR अंबेडकर सर कि ही हैज गिवन मी द पावर टू स्पीक. 19(1)(a) आर्टिकल 19(1)(a) रिमेंबर फ्रेंड्स, प्रशांत भूषण हैज गिवन हिज क्लैरिफिकेशन इन सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैज नो आंसर. ही विल नॉट से सॉरी टू सुप्रीम कोर्ट. दैट इज योर राइट टू स्पीक. तो फ्रेंड्स, जिस देश में हम लोग को बोलने की आजादी है, आप रिजर्वेशन लेके एक छोटी सी नौकरी के लिए क्यों सोच रहे हो? डोंट थिंक. अपने बच्चों को ये सिखाइए. मैं अपने बच्चों को आज से सिखाता हूँ कि यू हैव टू गो टू प्राइवेट सेक्टर एंड थिंक फॉर प्राइवेट जॉब्स, डोंट थिंक फॉर गवर्नमेंट जॉब्स. आई कम टू दिस यूनिवर्सिटी बाय डिफॉल्ट
नो गॉडफादर वॉज देयर. मेरा कोई गॉडफादर नहीं है. थैंक्स टू प्रोफेसर गज भी है, एनएस गज भी है फ्रॉम महाराष्ट्र, एंड ही हैज एलिगेशन ऑफ 1,000 crores ऑफ स्कैम एंड सीबीआई केम्स. माई डियर फ्रेंड्स, नॉट ए सिंगल रुपीज प्रूव्ड. But the thing is that he was honest man and he was great academician of chemistry. And that is why I am here. If N.S. Gajbhi was a Dalit, he was a Dalit community from Maharashtra. But he has selected me. He never thinks that Dr. Pankaj Singh is a Savarna or upper caste. He just thinks the Pankaj Singh has some talent, I will take him. That is the spirit. And friends, sir, believe in yourself. I have only one argo. Whatever your caste may be, believe in yourself, believe in your strengths. That will be the greatest thing. And my dimension of Dalit studies is like this. And I want to say every Dalit, ki think positive and fight for your rights and believe in yourself. If you will do so, that will be highly appreciated. Thank you, friends. Nice lecture, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. जो हुआ वो रणजीत गुहा ने सबाल्टर्न स्टडीज के नाम से 2 वॉल्यूम निकाला है और ले लिया. रणजीत गुहा ने सबसे पहले काम किया सबाल्टर्न स्टडीज के अंतर ही बाद में हम कह सकते हैं दलित स्टडीज, जिसमें लेबर्स का हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ द फार्मर्स, हिस्ट्री ऑफ द सो कॉल्ड, मतलब जो लोग हाशिए पे चले गए, जो लोग एकदम एलियन, मतलब उनको कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया, उनका इतिहास हम लोग जो पढ़ते हैं वो सबाल्टर्न हिस्ट्री में है. तो रणजीत गुहा वॉज द फर्स्ट मैन इन इंडिया. और बाहर का जो फॉरेन है, जो यूरोपियन है, उसका नाम अभी मैं स्किप कर रहा हूँ, सॉरी, लेकिन मैं आपको अभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर इससे बात करूंगा. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच. हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू. चलो 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 चलो, गुड इवनिंग. तो आई थिंक यू हैड अ वंडरफुल टॉक, राइट? Yes, sir. हाँ सर, पंकज सर का वोट ऑफ थैंक्स मुझे देना था अभी. क्या देना है? वोट ऑफ थैंक्स. हेलो, बाकी लोग अपना माइक म्यूट करें. हेलो, हाँ, यस, गो ऑन. हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी. माइसेल्फ Arpan Bhattacharya, Assistant Professor, Ramananda College, on behalf of all participants and Dr. Hori Singh Gaur University, HRDC, extend a very hearty vote of thanks to Dr. Pankaj Singh for his very insightful lecture and for sharing us the historical dimensions of Dalit studies. Actually, the term Dalit denotes one single unit, but like an orange, it has several dimensions. And सर, आपने बहुत ही बारीकी से उस हिस्टोरिकल डायमेंशंस को हमारे सामने उपस्थित किया है. और आपने बताया कि हमारी दोनों के बीच एक म्यूचुअल रेस्पेक्ट होना चाहिए और एक स्पेस होना चाहिए, तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा. और मैं चाहती हूँ कि आपको बहुत बार ऐसे लेक्चर देते सुन सकूँ. थैंक यू फॉर योर इनसाइटफुल लेक्चर सर. थैंक यू. Thank you. So, on behalf of participants, I welcome Dr. Manish Sharma ji once again. And I think it is always said that a good speaker does not need any formal introduction. But as the part of the system and custom, sir, yesterday it has already been discussed. Yes, yes, I have been introduced. Yes, yes. Therefore, I don't want to lose time anymore. So, without
losing time, I invite Dr. Manish Sharma ji to join once again with us and have a talk today on ranking system in India. Yesterday we talked about the ranking framework or